हेलो बच्चों, प्री मेडिको यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर अनुज विश्वकर्मा। बेटा, आज के इसी वीडियो लेक्चर में हम लोग इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री शुरू करेंगे। बेटा, एक्चुअली कल जो आपके इनऑर्गेनिक वाला लेक्चर था वो बाय मिस्टेक एंड डिलीट हो गया, तो वापस से मैं वो लेक्चर बना रहा हूँ, इसलिए एक दिन का डिले हो जाएगा बेटा। उसका कुछ सरकमस्टांसेस की वजह से वो वीडियो अपलोड नहीं हो पाया। वीडियो जो मैंने बनाया था वो डिस्ट्रॉय हो गया है किन्हीं कारणों से, तो बेटा वो अभी फिर मैं वापस उस वीडियो को बना रहा हूँ, इसलिए एक दिन का डिले हो जा रहा है आपको, क्योंकि हमें पता नहीं था कि वो वीडियो डिलीट हो जाएगा। ओके, शुरू करते हैं बेटा इनऑर्गेनिक। और सबसे पहला चैप्टर जो मैंने लिया है वो बेटा क्या है, पीरियाडिक टेबल। तो पीरियाडिक टेबल पढ़ेंगे बेटा। पीरियाडिक टेबल चाहे जो भी मैं चैप्टर करा रहा हूँ, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि बेटा मैं उन्हीं पॉइंट्स को मतलब कंसिडर करूंगा जहाँ से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो पीरियाडिक टेबल जैसे ही आता है तो बेटा आपने मेंडलीफ का नाम सुना होगा, मेंडलीफ। बेटा मेंडलीफ पीरियाडिक टेबल सबको पता है बेटा। इसमें मेन जो है कि मेंडलीफ ने पीरियाडिक टेबल की जो प्रॉपर्टी है वो किसके बेसिस पे की थी, तो वो बेटा था आपका एटॉमिक मास। एटॉमिक मास के बेसिस पे उन्होंने बताया था कि जो पीरियाडिक प्रॉपर्टी है लाइक फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट डिपेंड ऑन एटॉमिक मास। ओके, इसके बाद आता है बेटा लॉन्ग पीरियाडिक टेबल। लॉन्ग पीरियाडिक टेबल किसके ऊपर बेस्ड है, तो ये बेटा बेस्ड है आपके मोजले इक्वेशन पे। मोजले इक्वेशन, ठीक है। मोजले इक्वेशन क्या थी, मोजले ने बेटा मॉडर्न पीरियाडिक ला दिया था। उन्होंने बेटा एक इक्वेशन दी थी, वो था वेव नंबर का जो रूट था, रूट ऑफ वेव नंबर इक्वल टू ए जेड माइनस बी। ओके, ये उन्होंने एक रिलेशन स्टेब्लिश किया था वाया स्पेक्ट्रो ग्राफी, एक्सरे स्पेक्ट्रोग्राफी, तो ये स्टेब्लिश आया था। और यहीं से उन्होंने क्या दिया था, मॉडर्न पीरियाडिक ला। उनके हिसाब से जो मॉडर्न पीरियाडिक ला है बेटा वो था कि जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी होती हैं वो एटॉमिक नंबर के डायरेक्टली होती हैं, ना कि एटॉमिक मास के। मॉडर्न पीरियाडिक ला ये, ठीक है। इसमें और बता दें बेटा कि जो मॉडर्न पीरियाडिक टेबल था इसको बोहर पीरियाडिक टेबल भी कहते हैं, क्योंकि उसी के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे इसको बेस्ड किया गया है, ठीक है। मॉडर्न पीरियाडिक टेबल में चार ब्लॉक होते हैं, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, एफ ब्लॉक और डी ब्लॉक, सॉरी डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक बेटा। ओके, चार पीरियाडिक टेबल होते हैं, चार ब्लॉक हैं, एस ब्लॉक है आपका, पी ब्लॉक है, डी ब्लॉक है एंड एफ ब्लॉक है, ठीक है। एस ब्लॉक की बात करें बेटा तो देखो जो एस ब्लॉक होता है उसमें क्या होगा, लास्ट इलेक्ट्रॉन होगा जो एन एस सेल में इंटर करेगा, ये हो जाएगा एनएस टू, इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया। इसमें दो ग्रुप होते हैं बेटा, आपको पता है फर्स्ट ए सेकेंड ए। फर्स्ट ए को बोलते हैं क्या, एल्कलाइन, एल्कली मेटल, एल्कली मेटल, और इनको क्या कहते हैं, एल्कलाइन अर्थ मेटल। इसका रीजन ये है कि बेटा जो इनके ऑक्साइड हैं या फिर जो हाइड्रोक्साइड है बेटा, ये क्या होते हैं, बेसिक नेचर के होते हैं, इसी वजह से इनको हम कहते हैं एल्कली मेटल। जबकि एल्कलाइन अर्थ मेटल में क्या होता है, ये भी इनके ऑक्साइड या हाइड्रोक्साइड बेसिक नेचर के होते हैं, इसके साथ साथ ये क्या है, अर्थ में पाए जाते हैं, इसी वजह से इनको कहते हैं एल्कलाइन अर्थ मेटल। ओके, तो ये हो गया सेकेंड ए के बारे में, ठीक है। अब कुछ बात कर ले रहे हैं जैसे हाइड्रोजन के बारे में। बेटा आपको हाइड्रोजन पता है क्या है, वेगा बॉन्ड एलिमेंट है। इसको वेगा बॉन्ड किस लिए कहते हैं, क्योंकि बेटा ये आपके फर्स्ट ए से भी रिलेम्बलेंस शो करता है और सेवेंथ ए से भी रिजेम्बलेंस हो करता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है कि बेटा आपको पता है ये मोस्ट अबाउंडेंट एलिमेंट है यूनिवर्स का, मोस्ट अबाउंडेंट होता है ये यूनिवर्स में पाया जाने वाला, सबसे ज्यादा कोई अगर मेटल पाया जाता है तो वो है बेटा क्या, हाइड्रोजन। लेकिन बात करें अर्थ क्रस्ट की तो सबसे ज्यादा अर्थ क्रस्ट में ऑक्सीजन होगा, देन एल्यूमिनियम होता है, सॉरी बेटा सिलिकन होगा एंड देन एल्यूमिनियम, ठीक है। ये हो गया अर्थ क्रस्ट में, अर्थ क्रस्ट में इस ऑर्डर में क्या पाए जाते हैं, एलिमेंट पाए जाते हैं, ठीक है। अब कुछ और बात कर लेते हैं, जैसे बात करते हैं लिथियम। लिथियम क्या है बेटा आपका, ये लाइटेस्ट मेटल है, लाइटेस्ट मेटल है पीरियाडिक टेबल का। इसके अलावा अगर बात करें ऑस्मियम और बेटा इरिडियम की, ये दोनों क्या है, हैवीएस्ट मेटल है पीरियाडिक टेबल के। ये क्या है, हैवीएस्ट मेटल है पीरियाडिक टेबल के, सबसे ज्यादा हैवी होंगे। अब बात करते हैं पीरियाडिक टेबल में बेटा पांच लिक्विड एटम है, पांच लिक्विड एलिमेंट है, और पांच लिक्विड एलिमेंट में कौन कौन है, तो बेटा इसमें चार मेटले हैं और
एक नॉन मेटल है। चार मेटलों में कौन कौन है? सीजियम, फ्रांसियम, गैलियम एंड मरकरी। ये हो गया मेटल, और ब्रोमीन बेटा क्या है आपकी? नॉन मेटल। ठीक है, बात करें बेटा इन तीनों की, तो ये तीनों 30 डिग्री पे लिक्विड फॉर्म में होंगे, जबकि ये किस पे होता है? रूम टेम्परेचर, या फिर कह सकते हो 25 डिग्री पे। ये 30 डिग्री पे लिक्विड होंगे, जबकि मरकरी रूम टेम्परेचर पे होता है। ओके, एस ब्लॉक की छोटी बहुत बातें हो गई। अब बात करते हैं पी ब्लॉक की। तो पी ब्लॉक में बेटा क्या होगा? जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपने पढ़ा होगा, वो होता है NS2NP126। ठीक है, और इसमें बेटा 6 ग्रुप मिलेंगे आपको, 3A 4A 5A 6A, उसके बेटा 7A, और लास्ट में क्या है? 8th ग्रुप या 0 ग्रुप कहते हैं उसको। ठीक है, 8th ग्रुप या इसको क्या कहोगे? 0 ग्रुप या 18 ग्रुप इसको कहते हैं। ठीक है, तो इतने ग्रुप पाए जाते हैं, सबका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बहुत मेंशन नहीं है बेटा। मेनली यहाँ पे जो हम मेंशन करेंगे पी ब्लॉक में जितने होते हैं, पी ब्लॉक में बेटा मेटल भी पाई जाएंगी, मेटलॉइड भी होते हैं और नॉन मेटले भी होती हैं। ठीक है, ये सब चीज़ें पाई जाती हैं। तो बेटा कौन कौन मेटलॉइड है यहाँ पे मैं बता दूँ आपको। तो देखो मेटलॉइड क्या है, मेटलॉइड यहाँ पे है आपके बोरान है, सिलिकन है, जर्मेनियम है, आर्सेनिक है, एंटीमनी, टेलुरियम एंड पोलेनियम। बेटा ये सब क्या है? मेटलॉइड है। ठीक है, बात करते हैं डी ब्लॉक की। तो डी ब्लॉक में क्या होगा? डी ब्लॉक का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NS2 और बेटा होता है N-1 1 to 10, यही तो होता है, लेकिन कुछ इसके एक्सेप्शन है बेटा। जैसे क्या है? क्रोमियम 24, बेटा इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये होता है आर्गन, और ये हो जाएगा बेटा 3D5 4S1। इसके अलावा कापर भी है बेटा, कापर 29 होता है, इसका होगा आर्गन, ये होता है 3D10 और ये हो जाएगा 4S1। इसमें एस में दो इलेक्ट्रॉन ना होगा, कितने इलेक्ट्रॉन? एक ही इलेक्ट्रॉन होगा। ठीक है, इसके अलावा बेटा अगर आप पैलेडियम को देखोगे, तो जो पैलेडियम होता है इसमें भी जो आपके एस में इलेक्ट्रॉन है वो जीरो होंगे। ठीक है, एक एक्सेप्शन ये भी है। ठीक है, अब बात करते हैं डी ब्लॉक के एलिमेंटों की। तो डी ब्लॉक में सभी क्या है? मेटले हैं, आल आर मेटल, आल मेटल्स हैं। नेक्स्ट है बेटा कि ये वेरिएबल वैलेंसी शो करते हैं, इसी वजह से इनको हम क्या कहते हैं? ट्रांजिशन एलिमेंट, इसी वजह से इनको हम कहते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट। और बेटा आपको एक चीज और बता दें कि ये तो सही है सबके लिए, लेकिन जो सेकेंड बी है इसकी वैलेंसी फिक्स हो जाती है, +2 वैलेंसी शो करते हैं, इसी वजह से हम इसको बोलते हैं स्यूडो ट्रांजिशन एलिमेंट। मतलब एक्चुअली ये डी ब्लॉक के नहीं कह सकते हमको, लेकिन अगर आपसे पूछे तो स्यूडो ट्रांजिशन कौन होता है सेकेंड बी, लाइक जिंक, कैडमियम, मरकरी, ये क्या होते हैं? स्यूडो ट्रांजिशन एलिमेंट कहे जाते हैं, क्योंकि ये वेरिएबल वैलेंसी शो नहीं करते। ओके, इसके अलावा कुछ और बता दें बेटा, जैसे आपको क्या है? प्लेटिनम, प्लेटिनम को व्हाइट गोल्ड कहा जाता है। इसके अलावा बात करेंगे बेटा टाइटेनियम, टाइटेनियम को वॉन्डर मेटल कहते हैं। इसके अलावा बात करें बेटा मरकरी, मरकरी जो होती है बेटा इसका मेल्टिंग पॉइंट लोवेस्ट होता है, और बेटा टंगस्टन जो होता है इसका मेल्टिंग पॉइंट हाईएस्ट पाया जाएगा। ठीक है, ये हो गया कुछ पॉइंट्स जो एफ ब्लॉक के बारे में, टी ब्लॉक के बारे में। अब बात करते हैं बेटा क्या एफ ब्लॉक के बारे में। एफ ब्लॉक के बारे में आपको पता है इनको बोलते हैं इनर ट्रांजिशन एलिमेंट, इनको इनर ट्रांजिशन एलिमेंट कहा जाता है। इसके अलावा बेटा इनका जो जनरल कॉन्फ़िगरेशन होता है वो NS2 N-1 D1, और ये होता है भाई N/2 F1 to 14, ये होता है बेटा जनरल कॉन्फ़िगरेशन। इसमें दो होते हैं, जब मैं ब्लॉक बताऊंगा तो एक्टिनाइड और लैंथेनाइड होता है, ये बेटा आप ब्लॉक में डिस्कस करेंगे। तो ये तो ब्रीफ था। अब आते हैं बेटा पीरियडिक प्रॉपर्टी पे। पीरियडिक प्रॉपर्टी में सबसे पहले कुछ चीज़ें सीख लो, जैसे क्या होता है बेटा स्क्रीनिंग इफेक्ट, स्क्रीनिंग इफेक्ट, या फिर इसी को हम क्या बोलते हैं बेटा शील्डिंग इफेक्ट। और ये क्या होता है बेटा इसको समझो आप। देखो मान लो ये हो गया न्यूक्लियस और ये हो गई क्या शेल, तो बेटा ये इस पे इलेक्ट्रॉन होगा, यहाँ भी इलेक्ट्रॉन पाया जाएगा और यहाँ भी इलेक्ट्रॉन होगा। ठीक है, तो देखो ये जो है न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, ये भी इसके इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, लेकिन देखो जो बेटा ये इस पे जो फोर्स लगाएगा इस इलेक्ट्रॉन पे, मान लो इस इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है, तो इनर कोर के जो इलेक्ट्रॉन है इस पे क्या करते हैं? रिपल्सन लगाएंगे, ये भी रिपल्सन लगाएगा और ये भी रिपल्सन लगाएगा।
तो ये जो रिपल्सिव फोर्स जनरेट हो रहा है बाय इनर कोर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसी को स्क्रीनिंग इफेक्ट या शील्डिंग इफेक्ट कहते हैं। और इसका ऑर्डर होता है बेटा, सबसे ज्यादा एस होगा, देन पी होता है, देन डी होता है, देन एफ होता है। किसका? स्क्रीनिंग इफेक्ट का ऑर्डर, मतलब सबसे ज्यादा अगर कोई रिपल्सन लगाता है तो वो क्या है, एस देन पी देन डी देन एफ, ऐसे होता है। ठीक है, तो स्क्रीनिंग इफेक्ट आपको समझ में आ गया होगा। अब बेटा आता है जेड इफेक्टिव, जेड इफेक्टिव का भी नाम सुना होगा। तो बेटा मान लो कि ये सेल है और मान लो एक दो तीन ये हो गया, और इस वाले इलेक्ट्रॉन पे हमें चाहिए कि जो न्यूक्लियस है फोर्स कितना लगा रहा है। तो बेटा न्यूक्लियस अगर फोर्स लगाएगा तो इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, लेकिन आपको पता है जो इनर कोर के इलेक्ट्रॉन है वो रिपल्सन करेंगे। तो बेटा जो जेड इफेक्टिव होता है वो नेट फोर्स इलेक्ट्रॉन पे लगाया वाला अट्रैक्टिव फोर्स होता है। तो आप बताओ ये अपने आप को खींचेगा अपने चार्ज के हिसाब से, लेकिन आप बताओ ये क्या है, बीच में जो ये है जो इनर कोर इलेक्ट्रॉन रिपेल कर रहा है, तो ये क्या करेगा, इसके फोर्स को कम करेगा। तो कितना कम करता है, सिग्मा। स्क्रीनिंग इफेक्ट को किससे डिनोट करते हैं बेटा, सिग्मा से। तो ये हो गया जेड इफेक्टिव, नेट फोर्स जो इलेक्ट्रॉन पे लगा वो क्या होता है, जेड माइनस सिग्मा। ठीक है, क्लियर, ये चीजें समझ में आ गई आपको। इसको हम दूसरे टर्म में इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी कहते हैं, इसको हम बोलते हैं बेटा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, इसको इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी कहा जाता है। ठीक है, अब बेटा अब बात करें पीरियड में, पीरियड में जेड इफेक्टिव कैसे वेरी करता है। तो पीरियड बेटा ये जो मैं इसे रो बनाऊंगा आपको आगे बेटा, यहीं से आप समझ लो कि अगर मैं ये रो बनाता हूँ तो इसका मतलब है कि मैं अलॉन्ग द पीरियड की बात कर रहा हूँ इन पीरियडिक टेबल, और जब ऐसे रो बनाऊंगा तो मैं बेटा डाउन टू द ग्रुप की बात करूंगा। ठीक है, इसका मतलब क्या है, मैं ग्रुप के अकॉर्डिंग बात कर रहा हूँ ये पीरियड। तो आगे मैं इसको बार बार नहीं लिखूंगा बेटा, आप यहीं पे समझ लो कि ऐसा है। तो देखो अलॉन्ग द पीरियड जाने पे क्या होता है, जेड इफेक्टिव की वैल्यू बढ़ती है। इसका रीजन ये है कि क्या होता है, जेड में मतलब क्या, न्यूक्लियस की वैल्यू बढ़ती है जबकि शेल की वैल्यू सेम ही रहती है, इसी वजह से जेड इफेक्टिव की वैल्यू बढ़ती है। डाउन टू द ग्रुप आते हैं तो जेड इफेक्टिव की वैल्यू कम होती है। बेटा न्यूक्लियस का चार्ज तो बढ़ता है लेकिन सेल भी करस्पॉन्डिंग बढ़ती है, और स्क्रीनिंग इफेक्ट ओवर डोमिनेट ओवर क्या, आपके चार्ज बढ़ने के ऊपर, इसी वजह से क्या होता है, जेड इफेक्टिव की वैल्यू कम होती है। ठीक है, अब ये चीजें हमने बता दी। अब बेटा हम सीधा सीधा एक एक प्रॉपर्टी को डील करेंगे। सबसे पहले हमने प्रॉपर्टी ली बेटा एटॉमिक रेडियस, हम एटॉमिक रेडियस को डील करेंगे। तो देखो बेटा एटॉमिक रेडियस के सीधा सीधा पूछते हैं कि अलॉन्ग द पीरियड और ग्रुप पे सीधा सीधा देखे पूछेंगे। तो बेटा अलॉन्ग द पीरियड जाओगे तो एटॉमिक रेडियस क्या होती है बेटा, ये कम होती है। उसका रीजन है कि जेड इफेक्टिव की वैल्यू क्या होगी, बढ़ेगी तो एटॉमिक रेडियस कम होगी। डाउन टू द ग्रुप क्या होगा, जेड इफेक्टिव की वैल्यू कम होती है तो एटॉमिक रेडियस की वैल्यू बढ़ती है। ये जनरल है, कुछ वेरिएशन है। अब कुछ एक्सेप्शन है जो आपको याद होने चाहिए। जैसे फर्स्ट एक्सेप्शन है बेटा कि देखो अगर थर्ड ब्रिक ग्रुप में बात करें तो बेटा डाउन टू द ग्रुप क्या होना चाहिए, रेडियस बढ़नी चाहिए। लाइक क्या होना चाहिए, जैसे मान लो बोरान, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, यही तो होते हैं। डाउन टू द ग्रुप एक्चुअली ऑर्डर ये होना चाहिए, रेडियस बढ़नी चाहिए, लेकिन रेडियस बढ़ती नहीं है, मतलब सही है पर यहाँ पे बेटा ये जो एल्युमिनियम की रेडियस है वो एक्चुअली क्या होती है, इक्विवेलेंट टू गैलियम होती है, मतलब ये दोनों बराबर होते हैं आपस में। ठीक है, तो ये कभी कभी आता है कि एल्युमिनियम और गैलियम में रेडियस किसकी दोनों की बराबर होगी, और कभी कभी पूछ लेते इसका रीजन क्या है। तो इसका रीजन होता है बेटा ड्यू टू ग्रेटर स्क्रीनिंग इफेक्ट ऑफ इन एल्युमिनियम। एल्युमिनियम में ग्रेटर स्क्रीनिंग इफेक्ट के वजह से क्या होता है बेटा, एल्युमिनियम की जो साइज है वो गैलियम की कंपेयर में हो जाती है, इसी वजह से क्या होता है इन दोनों की साइज बराबर होती है। एक तो वेरिएशन ये हो गया। दूसरा वेरिएशन देख लो बेटा, आपने देखा होगा जर्कोनियम और हाफनियम की रेडियस बराबर होती है, इन कौन से, फोर्थ बी में। इसके अलावा फिफ्थ बी में भी बेटा देखोगे आप कि जो एन बी है इसकी जो रेडियस है वो इसके बराबर होती है। ठीक है, तो इसका रीजन क्या है ये पूछते हैं। ठीक है, इन दोनों का रीजन क्या है ये पूछते हैं। तो इन दोनों का रीजन है बेटा क्या, लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन के वजह से क्या होता है कि बेटा इनकी जो वो रेडियस है वो इक्विवेलेंट हो जाती है। और इस लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन का रीजन क्या है, वो होता है बेटा ड्यू टू पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ एफ इलेक्ट्रॉन, ड्यू टू पुअर स्क्रीनिंग या फिर शील्डिंग बोलो आप, ड्यू टू पुअर स्क्रीनिंग ऑफ एफ इलेक्ट्रॉन के पुअर स्क्रीनिंग या पुअर शील्डिंग इफेक्ट की वजह से जर्कोनियम और बेटा यार होगा जर्कोनियम और हाफनियम की रेडियस बराबर होगी
और इसकी और इन दोनों की रेडियस बराबर होगी। ठीक है, अब बात है बेटा अलॉन्ग द पीरियड भी ये कहाँ पर वेरिएशन देखो क्या, अलॉन्ग द पीरियड देखोगे कि आपको पता है अलॉन्ग द पीरियड साइज कम होगी, तो सबसे ज्यादा साइज लिथियम की, फिर बेरेलियम, फिर बोरान, फिर कार्बन, फिर नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन, देन फ्लोरीन, देन नियान, ये होना चाहिए। लेकिन बेटा ये यहाँ पर नहीं सही है, नियान की जो रेडियस है वो इन सबसे ज्यादा होती है। उसका रीजन ये है इनर्ट गैसों का, क्योंकि बेटा इसमें जो होता है वंडर वॉल्स रेडियस एक्ट करती है, जिसके वजह से क्या होता है इसकी रेडियस इन सभी से ज्यादा होती है। तो अलॉन्ग द पीरियड बात करें तो सबसे ज्यादा अगर रेडियस होगी तो किसकी होगी, इनर्ट गैसों की। ठीक है, एक एक्सेप्शन ये हो गया। उसके बाद आता है बेटा थर्ड पीरियड में, थर्ड पीरियड में आयरन, कोबाल्ट और निकिल, इन तीनों के भी रेडियस आपस में बराबर होती है। ठीक है, जबकि एक्चुअल क्या होना चाहिए, एक्चुअल तो ये होना चाहिए कि आयरन की ज्यादा होनी चाहिए कोबाल्ट से, और फिर कोबाल्ट की ज्यादा होनी चाहिए निकल से। तो एक हो गया। अब आता है बेटा चार्ज स्पीसीज का रेडियस कैसे देखोगे, तो देखो चार्ज स्पीसीज में क्या करना है, तो सबसे ज्यादा अगर चार्ज स्पीसीज की बात करें तो सबसे ज्यादा निगेटिव चार्ज स्पीसीज जो होगी बेटा उसकी रेडियस होगी, देन होगा आपका क्या न्यूट्रल, देन उसके बाद होगा पॉजिटिव चार्ज। क्लियर, ये होगा। ये बेटा एक्चुअली तो ये कहा जाए तो ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज के लिए ज्यादा सही है। ठीक है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज के लिए ये करेक्ट है, वरना आइसो इलेक्ट्रॉनिक नहीं होगा तो फिर वेरिएशंस मिलेंगे आपको। ठीक है, और ये जो निगेटिव चार्ज है इसका भी रेडियस अगर मान लो दो निगेटिव दे दिया, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हमने ले लिया ओ माइनस टू, एफ माइनस, नियॉन ले लिया, सोडियम प्लस ले लिया, और बेटा मैग्नीशियम डाई पॉजिटिव ले लिया। अब इसमें देखो दो दो पॉजिटिव है, दो दो निगेटिव है, तो इनको कैसे कंपेयर करेंगे, तो देखो निगेटिव चार्ज में क्या करोगे बेटा, ये जो साइज होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज होगी, जितना ज्यादा चार्ज का मैग्नीट्यूड होगा उतना ज्यादा साइज होगी। लेकिन अगर पॉजिटिव चार्ज के केस में होगा तो जो साइज होगी वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी बेटा मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज के। ठीक है, मतलब पॉजिटिव चार्ज का जितना ज्यादा मैग्नीट्यूड होगा उतनी कम साइज होगी डाइपोल की। तो बस देख लेते हैं, तो सबसे ज्यादा बेटा आपको पता है इनकी होगी, देन इसकी होगी, देन इसकी होगी। अब इन दोनों बात करते हो, देखो इसका नेगेटिव का मैग्नीट्यूड ज्यादा तो इसकी रेडियस ज्यादा, इसमें नेगेटिव का मैग्नीट्यूड ज्यादा इस वजह से इसकी रेडियस कम होगी, इसकी रेडियस ज्यादा होगी, ओवरऑल रेडियस का ऑर्डर ये होगा। ठीक है, ऐसे करके क्वेश्चन आते हैं। अब नेक्स्ट नेक्स्ट आता है बेटा आयोनाइजेशन पोटेंशियल, आयोनाइजेशन पोटेंशियल। अब आयोनाइजेशन पोटेंशियल बेटा इसके भी ऑर्डर बहुत आते हैं। आयोनाइजेशन पोटेंशियल को आईपी से डिनोट करते हैं, और ये बेटा एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है। और आयोनाइजेशन पोटेंशियल क्या होता है कि एक मोल गैसियस एटम से बेटा अगर एक इलेक्ट्रॉन निकालने पे जितनी एनर्जी की जरूरत पड़ती है वही क्या होता है बेटा आयोनाइजेशन पोटेंशियल होती है। ठीक है, अगर बेटा एक इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो इसको आईपी वन कहेंगे, और अगर आपने बेटा दो इलेक्ट्रॉन निकाला तो इसको आप क्या करोगे, इसको आईपी टू कहते हैं। ठीक है, ये हो गया। मतलब जितनी इलेक्ट्रॉन निकालोगे आप गैसीयस आइसोलेटेड एटम से तो वही क्या होगा, वही आपका आईपी होगा। बार फिर ध्यान से सुनो कि एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव वन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम गैसीयस आइसोलेटेड एटम इज नोन एज आयोनाइजेशन पोटेंशियल। ठीक है, ठीक है, तो आयोनाइजेशन पोटेंशियल, तो आयोनाइजेशन पोटेंशियल कैसे होगा, एंडोथर्मिक होगा। और बेटा आपको बता दें जो आईपी थर्ड होगा, मतलब जो सक्सेसिव आईपी होता है वो अपने प्रीवियस आईपी से ज्यादा होता है। ठीक है, तो ये होगा, ये ऑर्डर होगा क्या आईपी का। ठीक है, और बात है बेटा इसका फैक्टर कि आईपी को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं। तो पहला है बेटा साइज, जो साइज होता है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है आईपी के, जितना ज्यादा साइज होगा उसका आयोनाइजेशन पोटेंशियल उतना कम होगा, और इसको हम कह सकते हैं कि ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के भी इनवर्सली होगा। एक रिलेशन ये हो गया। दूसरा आता है बेटा जेड इफेक्टिव, अगर जेड इफेक्टिव की वैल्यू ज्यादा है तो आईपी की वैल्यू ज्यादा होगी, आईपी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड इफेक्टिव। और तीसरा है बेटा पेनिट्रेशन पावर, पेनिट्रेशन पावर पे भी आपका डिपेंड करता है आईपी, और पेनिट्रेशन पावर की ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आयोनाइजेशन पोटेंशियल। पेनिट्रेशन पावर का ऑर्डर करें तो बेटा एस में सबसे ज्यादा होगा, देन पी में, देन डी में, देन एफ में, ये होता है पेनिट्रेशन पावर का ऑर्डर। ठीक है, इसके अलावा बेटा हाफ फील्ड और फुल फील्ड अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है तो भी क्या होगा, तो अगर फुल फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है या हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है,
ये भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आईपी के, ठीक है। अगर हम बात करें तो बेटा सबसे ज्यादा आईपी किसकी होगी, फुल फील्ड वाले की, देन उसके बाद क्या होगी, हाफ फील्ड वाले की होगी, देन उसके बाद क्या होगी, अदर की होगी बेटा, ये ऑर्डर होता है आईपी का, ठीक है। इतने बात समझ के हो गए आप। अब बात करते हैं कि पीरियडिक टेबल पे टेबल में आईपी कैसे वैरी करता है। तो बेटा अलॉन्ग द पीरियड चलोगे तो लेफ्ट टू राइट जाने पे जेड इफेक्टिव की वैल्यू बढ़ती है, तो जाहिर सी बात है आईपी की वैल्यू क्या होगी बेटा, इंक्रीज होगी। नेक्स्ट डाउन टू द ग्रुप आएंगे, जेड इफेक्टिव की वैल्यू कम होती है तो आईपी की वैल्यू भी क्या होगी, कम होगी। ये एक जनरलाइज ऑर्डर है जो आपको पता होना चाहिए। अब बात करते हैं कुछ ऑर्डर की और कुछ एक्सेप्शन की। तो बेटा आपसे पूछते हैं कि बताओ सेकेंड पीरियड के लिए आपके लिए आईपी वन और आईपी टू का ऑर्डर पूछा जाता है। बेटा ये इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन में आ चुका है। तो बेटा इसके लिए मैंने एक ट्रिक बनाई, वो याद कर लो। आईपी फर्स्ट के लिए है बेटा, सेकंड के लिए लिब बेकन फनी। लिब बेकन फनी मतलब एल लिब बी बे सी ओ एन फनी, ये हो गया, ठीक है बेटा। ये ऑर्डर होता है किसका, आईपी वन का, ठीक है। और ये कैसे होगा, इंक्रीजिंग ऑर्डर में, मतलब इस ऑर्डर में ये पाया जाएगा। ये किसके लिए है, फॉर आईपी वन, इसके लिए आप याद कर लो बेटा। डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, कोई लॉजिक आपको यूज नहीं करना है। नेक्स्ट आता है आईपी सेकंड। आईपी सेकंड के लिए बेटा ट्रिक है बेक बन फोनेली, फोनेली बेक बन फोनेली मतलब क्या होगा बेटा, ये होगा बे फॉर बे क बन फो ने ली, ये होगा बेटा सेकेंड आईपी का ऑर्डर, मतलब ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में होगा। तो जब भी ये क्वेश्चन आएगा एकदम डायरेक्ट यही आएगा, आपको सीधा सीधा ये वैल्यू याद होनी चाहिए और सीधा सीधा आंसर करके आप आगे निकले, ठीक है। अब इसमें कुछ एक्सेप्शंस है, एक्सेप्शंस क्या है बेटा, एक्सेप्शन ये है कि डाउन टू द ग्रुप क्या होना चाहिए, और बेटा थर्ड है, ठीक है। इसमें देखो सेकेंड में क्या डाउन टू द ग्रुप होना, आईपी की वैल्यू कम होनी चाहिए, लेकिन डाउन टू द ग्रुप सेकेंडो में आओगे तो बेटा एक आपको पता है बेरियम होगा, और क्या होता है, बेरियम है बेटा और रेडियम, यही लास्ट के दो एलिमेंट है। तो मैं बात कर रहा हूँ किसकी, बेरियम की और रेडियम की। तो बेरियम और रेडियम एक्चुअली क्या होना चाहिए बेटा, एक्चुअली तो रेडियम की आईपी क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए बेरियम से, पर ये बेटा ज्यादा होती है। ये इसमें यहाँ पे एक पॉइंट ये याद रखनी है, ठीक है, मतलब ये एक्सेप्शन है आपका। नेक्स्ट है आपका फोर्थ एम है। फोर्थ एम बात करें तो बेटा लास्ट का जो एलिमेंट है टिन और लेड, डाउन टू द ग्रुप आईपी की वैल्यू कम होती है तो लेड की कम होनी चाहिए, टिन की ज्यादा होनी चाहिए, पर इस केस में बता लेड की ज्यादा होती है, टिन की कम होती है। और बात करें थर्ड ए की, तो बेटा आपको इनका जो जो आईपी है बेटा वो ऑसिलेशन मैनर में होता है, ऑसिलेटिंग मैनर में पाया जाता है, मतलब इनका खुद कोई पैटर्न नहीं है, ये केवल ऑसिलेटिंग पैटर्न में पाया जाता है, जैसे बेरान एल्यूमिनियम, फिर इस तरह गैलियम, फिर इंडियम एंड देन ये होगा बेटा, ये ऑसिलेटिंग मैनर में होता है, तो ये हो गया, ठीक है। अब आता है एप्लीकेशन की बात। तो आपको पता है बेटा जो मेटालिक नेचर होता है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा आईपी के, जिसकी आईपी जितनी कम उतना ज्यादा उसका मेटालिक नेचर। तो इस हिसाब से बेटा सबसे लेफ्ट में पीरियड के क्या होगा, मतलब लेफ्ट साइड में क्या होगा, मोस्ट मेटालिक एलिमेंट पाए जाएंगे, और सबसे राइट में क्या होगा, मोर नॉन मेटालिक पाए जाएंगे, यही तो होगा। तो इसका एप्लीकेशन ये हो गया, मतलब ये कह सकते हैं कि फर्स्ट ए मोर मेटालिक है जबकि सेवेंथ ए मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव या मोर नॉन मेटालिक है, ठीक है। अब इससे रिलेटेड आता है बेटा नेचर ऑफ ऑक्साइड। बात करते हैं नेचर ऑफ ऑक्साइड की, ठीक है। तो बेटा जितनी भी मेटले हैं, ऑल मेटल ऑक्साइड आर बेसिक, जितने भी मेटल ऑक्साइड हैं वो बेसिक हैं अलोंग विद हाइड्रोक्साइड। हाइड्रोक्साइड भी क्या होते हैं, बेसिक है, लेकिन इसमें कुछ एक्सेप्शन है, और एक्सेप्शन ये है कि जो एम्फोटेरिक मेटल होती हैं, एम्फोटेरिक मेटल, इनके जो ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड है ये बेटा एम्फोटेरिक नेचर के होते हैं, ठीक है। तो अब कौन कौन से मेटल एम्फोटेरिक हैं वो मैं आपको बता दूं, तो उसके लिए भी बेटा एक निमोनिक है, उसको याद रख लो
एम्फोटेरिक मेटल के लिए बेटा, एम्फोटेरिक मेटल, इसके लिए निमोनिक क्या है? इसके लिए निमोनिक है बेटा, सीरियसली आप इसको सुनिएगा, वो है अली संग सभी जिम्बाब्वे बस से गए। ये निमोनिक है, इसको याद कर लेना आप। और कैसे, देखो अली स्टैंड फॉर एल्युमिनियम, संघ का मतलब टिन, सभी का मतलब एंटी मनी, जिम्बाब्वे में बेटा आपके तीन है, जिन जिन का मतलब इन इंडियम, बी का मतलब लेड और बे का मतलब बेरेलियम, ये तीन याद रख लो। इसके अलावा बस में दो है बेटा, बस से मतलब बोरान और यस फॉर सिलिकन, ओके, और नेक्स्ट गए का मतलब गैलियम, ठीक है। इतनी एटम, इतनी मेटलें हैं जो क्या है, वो एम्फोटेरिक है, ठीक है। तो एम्फोटेरिक इन सभी के हाइड्रोक्साइड और ऑक्साइड क्या होने चाहिए, एम्फोटेरिक होने चाहिए, बट बेटा बोरान और सिलिकॉन के केस में ये बात सही नहीं है। ये एम्फोटेरिक तो मेटल हैं, पर इनके जो ऑक्साइड हैं या हाइड्रोक्साइड हैं, ये बेटा क्या होते हैं, ये प्योरली एसिडिक होते हैं, ये प्योरली एसिडिक होते हैं, ये बेसिक नेचर के नहीं होंगे, मतलब एम्फोटेरिक नेचर के नहीं होंगे, ये चीज आपको ध्यान देना, ठीक है। इतना हो गया। नेक्स्ट आता है बेटा आपका नॉन मेटल ऑक्साइड। जो नॉन मेटल हैं उनके ऑक्साइड या फिर हाइड्रोक्साइड, ये बेटा क्या होते हैं, एसिडिक नेचर के होते हैं, ओके। तो ये हो गया। अब बात करते हैं कुछ जो न्यूट्रल ऑक्साइड है, उनका नाम देख लो आप। तो ये है न्यूट्रल ऑक्साइड, मतलब ना उनका सोल्यूशन ना बेसिक होगा, ना एसिडिक, ना एम्फोटेरिक। जैसे क्या हो गया, वाटर, कार्बन मोनोऑक्साइड, एनओ, N2O और बेटा F2O, यही जो हैं जो दिख रहे हैं, ये बेटा न्यूट्रल ऑक्साइड है। इनको आप सीधा सीधा याद कर सकते हो, क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। अब आता है बेटा, बात करते हैं मेटेलिक कैरेक्टर और नॉन मेटेलिक कैरेक्टर की। बेटा लेफ्ट टू राइट जाओगे तो जो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर है ये क्या होता है, बढ़ता है, और डाउन टू द ग्रुप आओगे तो जो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर है वो कम होगा, मतलब मेटेलिक कैरेक्टर क्या होगा, बढ़ेगा, ओके। डाउन टू द ग्रुप आने पे मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ता है, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर कम होता है। लेफ्ट टू राइट जाने पे मेटेलिक कैरेक्टर कम होगा, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ेगा, ठीक है। एक वेरिएशन ये होगा। अब पूछते हैं कि कभी कभी नेचर ऑफ हाइड्राइड को पूछ लेते हैं कि एसिडिक नेचर ऑफ हाइड्राइड कैसे वेरी करेगा। तो हम बात करते हैं बेटा नेचर ऑफ हाइड्राइड। जो हाइड्राइड का नेचर है बेटा, ये एसिडिक नेचर का होता है, और ये कैसे वेरी करता है, तो बेटा अलोंग द पीरियड जाओगे तो इसका जो एसिडिक नेचर है वो बेटा बढ़ेगा, और डाउन टू द ग्रुप आओगे तो भी एसिडिक नेचर हाइड्राइड का बढ़ता है, मतलब लेफ्ट टू राइट जाए चाहे डाउन टू द ग्रुप आए, एसिडिक नेचर ऑफ हाइड्राइड इंक्रीजेस, ओके। एक पॉइंट ये हो गया। नेक्स्ट आता है बेटा आपका, हमारा आयनेशन पोटेंशियल खत्म हो गया। नेक्स्ट है बेटा क्या, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। अब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या है बेटा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है कि एक मोल गैसियस आइसोलेटेड एटम हो, ठीक है, एक गैसियस आइसोलेटेड एटम हो, उस पे एक इलेक्ट्रॉन को ऐड करने पे जितनी एनर्जी रिलीज्ड होती है उसी को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ठीक है। इसको हम डिनोट करते हैं ईए से, ओके, समझ में आया। फिर से, एक गैसियस आइसोलेटेड एटम पे अगर एक इलेक्ट्रॉन को ऐड करने पे जितनी एनर्जी रिलीज होगी उसी को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ठीक है। और बेटा जितना आप करोगे, जैसे मान लो ये है, इस पे एक और इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे तो ये क्या हो जाएगा, सेकेंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ठीक है। ये फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ये सेकेंड इलेक्ट्रॉन। तो बस इसमें मुझे ये बताना है बेटा आपको कि जो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है ये एक्सोथर्मिक होती है, मतलब इसमें एनर्जी निकलती है, लेकिन इसके अलावा जितनी भी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी आपको मिलेंगी एंड सो ऑन, ये बेटा सभी क्या होती है, इंडोथर्मिक होंगी, ओके। बस इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन मैं आपको करा देता हूं। जैसे क्वेश्चन है कि निगेटिव इंथैल्पी फॉर
इंथैल्पी फॉर, और बेटा ऑप्शन है आपके, ऑप्शन ए है सोडियम कन्वर्ट हो रहा है सोडियम प्लस में, बी है ऑक्सीजन माइनस ओ टू माइनस टू में कन्वर्ट हो रहा है, सी है बेटा आपका फ्लोरीन है वो फ्लोराइड में कन्वर्ट हो रहा है, और डी है बोथ बी एंड सी। ये है, अब बताओ आप कौन एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक का मतलब क्या है यहाँ, निगेटिव एंथैल्पी का मतलब एक्सोथर्मिक, ठीक है यही तो। अब बताओ ये क्या है, इसमें तो आयनाइजेशन पोटेंशियल है क्योंकि गैसियस आइसोलेटेड एटम से हम क्या कर रहे हैं, सोडियम एक इलेक्ट्रॉन को निकाल रहे, तो बेटा आयनाइजेशन पोटेंशियल, आयनाइजेशन पोटेंशियल की वैल्यू क्या होती है पॉजिटिव, मतलब ये एंडोथर्मिक होती है, हमें एक्सोथर्मिक चाहिए। बेटा ये क्या है, ई ए सेकेंड है तो ई ए सेकेंड, और ई ए सेकेंड आपको पता है क्या है, इंडो है, और ये है ई ए फर्स्ट, बेटा यही क्या है आपका एक्सो है, तो ये एक्सो पूछ रहे हैं तो आंसर कौन होगा, सी होगा, बोथ बी एंड सी नहीं होगा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी केवल फर्स्ट वाली जो होती है वो एक्सो होती है, बाकी इंडो होती है। तो मेरा इसका मतलब यहाँ पे समझाने का सिर्फ इतना था, ओके। अब बात करते हैं नेक्स्ट, नेक्स्ट आता है वेरिएशन टू इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो बेटा लेफ्ट टू राइट जाने पे अलॉन्ग द पीरियड जाओगे तो जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है इसकी वैल्यू क्या होती है, बढ़ती है, जबकि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डाउन टू द ग्रुप आने पे कम होती है। ये वेरिएशन हो गया। अब इसमें भी कुछ एक्सेप्शन हैं, जैसे पहला एक्सेप्शन क्या है देखो, पहला एक्सेप्शन ये है बेटा कि डाउन टू द ग्रुप आने पे क्या होनी चाहिए, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू कम होनी चाहिए। तो इस हिसाब से अगर हम सिक्स्थ की ऑर्डर की बात करें तो सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन सल्फर सेलेनियम टेलुरियम एंड पोलेनियम, ठीक है, इसमें क्या होना चाहिए, सबसे ज़्यादा इसकी होनी चाहिए, फिर इसकी देन इसकी देन इसकी, यही तो होना चाहिए। लेकिन एक्चुअल में क्या होता है बेटा, जो ऑक्सीजन की है ये सबसे कम होती है, मतलब सबसे कम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसकी पाई जाएगी, सिक्स ग्रुप में ऑक्सीजन की, ये ऑर्डर नहीं होगा। दूसरा एक्सेप्शन है बेटा सेवेंथ में, सेवेंथ में क्या होना चाहिए, फ्लोरीन और क्लोरीन की बात है, इसके अलावा कोई वेरिएशन नहीं है। फ्लोरीन क्लोरीन में अकॉर्डिंग टू कॉन्सेप्ट फ्लोरीन की ज़्यादा होनी चाहिए क्लोरीन से, लेकिन एक्चुअली क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है किसकी, क्लोरीन की, वो ज़्यादा होती है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या फ्लोरीन की, ये डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ चुका है। इसके अलावा आपने पढ़ा होगा बेटा कि बॉन्ड एनर्जी सी एल टू की ज़्यादा होती है किससे, एफ टू की। एक मैं ये भी बता दूँ कि बॉन्ड एनर्जी जो सी एल टू की है वो एफ टू से ज़्यादा होती है, तो ये दोनों चीज़ें फ्लोरीन की कम होती हैं एज कम्पेयर टू क्लोरीन। नेक्स्ट आता है पॉइंट आपका बेटा, आपने पढ़ा होगा इलेक्ट्रॉन गेन इनथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन इनथैल्पी, और ये क्या होता है, तो देखो बेटा इलेक्ट्रॉन गेन इनथैल्पी, इसको अगर आपने डेल्टा एस से डिनोट किया तो ये होता है नेगेटिव ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, और ये क्वेश्चन डायरेक्ट आ चुका है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी दिया था और पूछा था इलेक्ट्रॉन गेन इनथैल्पी क्या होगा, ओके तो ये खत्म होता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे किसकी, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी की, एक्स किसको डिनोट करता है, इलेक्ट्रो निगेटिविटी को, ओके। और इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या है, मान लो बेटा ये ऑर्डर में नहीं बताऊंगा आपको, बता दूंगा कि सिर्फ इतना जान लो कि कोई अगर कोवेलेंट बॉन्डेड एटम है तो उसमें से एक एटम द्वारा जो रिजल्टेंट फोर्स लगाया जाता है टू लोन पेयर ऑफ टू बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन, उसी को हम कहते हैं क्या बेटा, इलेक्ट्रॉन, अरे इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। और इसका कोई मतलब नहीं है, बस इसमें आता है कि इलेक्ट्रोनिगेटिविटी की एप्लीकेशन क्या है। तो बेटा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी के लिए एक पाउलिन का एप्लीकेशन है, पाउली ने क्या कहा था, तो बेटा पाउलिंग ने ये बोला था कि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा होती है, ये पाउलिंग स्केल के हिसाब से, ठीक है, पाउलिंग स्केल से फ्लोरीन की सबसे ज़्यादा होती है, देन ऑक्सीजन की, देन नाइट्रोजन की एंड देन क्लोरीन की। और बेटा इनका अगर वो होगा तो इसका 4.0 है, इसका 3.5, इसका 3 एंड इसका भी 3 है, 3.0 और बाकी अदर का होता है, ठीक है। अब आता है बेटा कि इन दोनों की जब इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बराबर है तो नाइट्रोजन की ज़्यादा क्यों, क्लोरीन की कम क्यों, तो इसका रीज़न है कि बेटा जो स्मॉल साइज होता है नाइट्रोजन का, इसी वजह से क्लोरीन से उसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा। बात करते हैं फास्फोरस और हाइड्रोजन की, तो इन दोनों की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी लगभग सेम होती है, और ये कितनी होती है 2.1 अप्रॉक्स दोनों की सेम होती है, क्लियर। अब नेक्स्ट आता है बेटा, आपने पढ़ा होगा, नेक्स्ट आता है कि जो बॉन्ड होते हैं, जो कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं, आगे मैं बताऊंगा तो उसको पहले मैं यही बता दूं आपको कि देखो जब भी इलेक्ट्रोनिगेटिव डिफरेंस ग्रेटर देन 1.7 आए तो बेटा बॉन्ड क्या बनता है, मतलब उसमें आयनिक करेक्टर ज़्यादा होगा, और अगर इलेक्ट्रोनिगेटिव डिफरेंस लेस देन 1.7 आए तो बेटा उसमें कोवेलेंट करेक्टर ज़्यादा होता है।
ये पॉलिंग ने बताया था, ठीक है। पर इसके एक्सेप्शन भी हैं। एक्सेप्शन क्या है बेटा, एक है आपका एन ए एच और एच एफ, ठीक है। अब देखो जो एच एफ होता है इसकी डेल्टा एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन 1.7 है तो क्या होना चाहिए, बॉन्ड आयनिक होना चाहिए, पर इसमें क्या होता है, कोवेलेंट करेक्टर पाए जाते हैं। नेक्स्ट बेटा इसमें अगर डेल्टा एक्स की वैल्यू वो लेस देन 1.7 होती है पर बॉन्ड होना चाहिए कोवेलेंट, पर ये क्या होता है, आयनिक होता है। तो ये दो एक्सेप्शन है आपके, ओके। नेक्स्ट आता है बेटा, मुल्किन ने भी आपको बताया था कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैसे निकालते। तो मुल्किन ने बोला था कि अगर आयनाइजेशन पोटेंशियल और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का क्या ले लें, मीन ले लें, तो बेटा उससे हमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मिल जाएगी। तो एक फार्मूला मुल्किन ने ये दिया था, ओके। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आप ऐसे बता सकते हो। नेक्स्ट आता है बेटा, सीधा सीधा अगर वो दिया उसने तो इसके लिए भी फार्मूला था 2.8 × IP। सीधा सीधा आयनाइजेशन पोटेंशियल दिया है तो भी इससे आप क्या कर सकते हो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी निकाल सकते हो, ठीक है। अब आता है वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो बेटा अलॉन्ग द पीरियड जाओगे तो जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है उसकी वैल्यू क्या होती है, बढ़ती है, और डाउन टू द ग्रुप आने पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू कम होती है, ठीक है। अगर बेटा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा है तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा आपके परसेंटेज आयनिक करेक्टर से। जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस होगा उतना ज्यादा परसेंटेज आयनिक करेक्टर में ज्यादा होगा, और अगर परसेंटेज आयनिक करेक्टर ज्यादा है तो जाहिर सी बात में उसमें डायपोल मूवमेंट भी क्या होगा, ज्यादा होगा। तो एक ऑर्डर आप यहाँ से एस्टेब्लिश कर सकते हो और ये आपका आगे काम आएगा, ओके। अब कुछ और पॉइंट्स आते हैं पीरियाडिक टेबल में। जैसे आपने पढ़ा होगा बेटा क्या, कॉन्गेनर। कॉन्गेनर किसको कहते हैं, तो कॉन्गेनर उनको कहते हैं जो सेकेंड पीरियड के एलिमेंट हैं, उनको कॉन्गेनर कहा जाता है। और उसका रीजन क्या है, देखो बेटा जो सेकेंड पीरियड के एलिमेंट होते हैं ये अपने बाकी ग्रुप से एबनॉर्मल बिहेवियर शो करते हैं। एबनॉर्मल बिहेवियर शो करने की वजह से इनको हम क्या कहते हैं, कॉन्गेनर कहते हैं। और इस एबनॉर्मल बिहेवियर शो करने का दो रीजन है। पहला रीजन तो ये है कि इनकी स्मॉल साइज, इनकी साइज बहुत छोटी होती है, और दूसरा इनके पास अब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल, इनके पास डी ऑर्बिटल नहीं पाया जाता है जिसके वजह से ये क्या करते हैं, कॉन्गेनर की तरह बिहेव करते हैं। तो कभी कभी ये दो स्टेटमेंट भी आ जाता है। अब आता है बेटा क्या, डायगोनल रिलेशनशिप। ये हो गया डायगोनल रिलेशनशिप। डायगोनल रिलेशनशिप आपको पता है सेकेंड और थर्ड पीरियड के बीच में है। वो क्यों होता है कि डायगोनल रिलेशनशिप वही शो करता है जिसका क्या हो, आयनिक पोटेंशियल सेम हो। मतलब सेम आयनिक पोटेंशियल वाले जो एलिमेंट होंगे वो क्या शो करते हैं, डायगोनल रिलेशनशिप। या हम ये कह सकते हैं कि चार्ज अपान साइज रेशियो जिसका बराबर हो वो भी क्या है, उसका आयनाइजेशन पोटेंशियल सेम है, आयनिक पोटेंशियल सेम है, तो वो शो क्या करता है, डायगोनल रिलेशनशिप। तो बेटा डायगोनल रिलेशनशिप आपका एस्टेब्लिश होता है सेकेंड पीरियड में और थर्ड पीरियड में। सेकेंड पीरियड में हो गया लिथियम, बेरेलियम, बोरान, कार्बन, और यहाँ हो जाएगा सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, और इधर हो जाएगा बेटा क्या, सिल्कन, ठीक है। तो लिथियम बेटा आपका मैग्नीशियम से डायगोनल रिलेशनशिप करता है, बेरेलियम एल्युमिनियम से, और बोरान सिल्कन से करता है। तो ये पूछ लेते हैं, ठीक है। और बेटा ये बता दें कि जो डायगोनल रिलेशनशिप शो करता है उनकी प्रॉपर्टी भी जिससे वो शो कर रहा है उससे काफी मैच करती है, सिमिलर होती है, ठीक है। तो ये हो गया। अब एक टर्म्स आता है बेटा रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट का। रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट, और रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट किनको कहते हैं, तो बेटा एस एंड पी ब्लॉक को हम रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट कहते हैं। एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट को हम रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट ग्रुप कहते हैं, ठीक है। तो बेटा अभी फिलहाल मैंने जितनी कोशिश थी पीरियाडिक टेबल में जो पॉइंट जहाँ से क्वेश्चन आ सकते थे मैंने बेटा वो आपसे डिस्कस कर लिया, ठीक है। नेक्स्ट जो चैप्टर है वो है बेटा क्या, केमिकल बॉन्डिंग। अब बात करते हैं केमिकल बॉन्डिंग। तो केमिकल बॉन्डिंग में हम सीधा सीधा बात करेंगे बेटा किसकी, आयनिक बॉन्ड की। आयनिक बॉन्ड को और क्या कहते हैं बेटा, आपने पढ़ा होगा इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, इनको इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड भी कहा जाता है, ओके। आपको पता है कि आयनिक बॉन्ड किनके बीच भी एस्टेब्लिश होता है, तो ये बोलता है बेटा मोर इलेक्ट्रो पॉजिटिव एटम प्लस मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, इन दोनों के बीच में क्या होता है, आयनिक बॉन्ड एस्टेब्लिश करता है। और मैं बता दूं बेटा कि अगर बात करते हैं पीरियाडिक टेबल की तो फर्स्ट ए और सेकेंड ए बेटा ये दोनों सेवेंथ ए, इसके अलावा सिक्स्थ ए, इसके अलावा फिफ्थ ए, इन तीनों में से
किसी से भी अगर वो बॉन्डिंग शो करते हैं तो ये बेटा कौन सा बॉन्ड बनाते हैं, इन दोनों के बीच में अगर बॉन्ड बना तो बेटा वो आयनिक बॉन्ड ही बनता है। ओके, तो आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन इनके बीच में होता है। ठीक है, अब बताया कि आयनिक बॉन्ड को कैसे डिटरमाइन करेंगे और परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर कैसे निकालेंगे। तो बेटा अगर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी दिया हो और लैटिस एनर्जी ये दिया हो और इसके अलावा आईपी दिया हो और इन दोनों की वैल्यू आईपी से ज्यादा हो तो श्योरली वो बॉन्ड क्या होगा बेटा, आयनिक कैरेक्टर वाला होगा। ठीक है, आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन होगा। क्लियर। लेकिन अगर ईए प्लस लैटिस एनर्जी की वैल्यू क्या हो, आयनाइजेशन पोटेंशियल से कम हो, तो बेटा उस केस में क्या होगा, आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं होता है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई आपको। अब बात करते हैं यहाँ पे लैटिस एनर्जी। लैटिस एनर्जी क्या होती है, तो बेटा लैटिस एनर्जी होती है कि किसी साल्ट को अगर आप किसी सोल्यूशन में डिजोल्व करो और वो ब्रेक हो जाए अपने कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल में, तो उस कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल में ब्रेक होने के लिए जिस एनर्जी की जरूरत पड़ती है उसी को हम लैटिस एनर्जी कहते हैं और उसको यू से डिनोट करते हैं। ठीक है बेटा, यू का सिर्फ एप्लीकेशन आपके लिए आएगा। देखो तो यू जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के, जितना ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा उतना ज्यादा यू होगा, और ये आयन के चार्ज के डायरेक्टली और उनके बीच की दूरी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। इसके अलावा लैटिस एनर्जी ज्यादा है तो स्टेबिलिटी ऑफ साल्ट या कंपाउंड भी ज्यादा है। लैटिस एनर्जी का वेरिएशन ये, ठीक है, अगर कई साल्ट ने उनकी लैटिस एनर्जी का ऑर्डर दिया है तो बेटा आप उनकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर लैटिस एनर्जी के ऑर्डर के अकॉर्डिंग दे सकते हो। ठीक है, इसके अलावा बात करें बेटा, इसके अलावा बात करते हैं कि सॉलिबिलिटी के टर्म्स में भी यूज होती है लैटिस एनर्जी, और सॉलिबिलिटी और लैटिस एनर्जी में क्या रिलेशन है, तो बेटा अगर हाइड्रेशन एनर्जी की वैल्यू ज्यादा होती है लैटिस एनर्जी से तो बेटा वो सॉलिबल होगा, और अगर हाइड्रेशन एनर्जी की वैल्यू कम होगी लैटिस एनर्जी से तो वो इनसॉल्युबल होगा। ठीक है, ओके बेटा मैं आपको फिर बता दूं, यहाँ हम क्विक रिवीजन कर रहे हैं, तो हाइड्रेशन एनर्जी क्या है, लैटिस एनर्जी क्या है, ये सब आपको पता है, मैं सिर्फ रिवाइज पर करा रहा हूँ कि आप एक बार ग्रो थ्रू होके चले जाओ चैप्टर से। ठीक है, नेक्स्ट आता है बेटा कोवेलेंसी। कोवेलेंसी क्या होती है, तो कोवेलेंसी होती है बेटा, आपने पढ़ा होगा कि नंबर ऑफ बॉन्ड फॉर्म्ड बाय वन एटम, एक एटम कितना कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है उसी को उसकी कोवेलेंसी कहते हैं। जैसे मान लो क्या है एसिड बेटा, इसका स्ट्रक्चर बनाओगे तो सल्फर दो सल्फर से अटैच्ड होगा तो उसको बेटा बेटा इसकी वैलेंसी कितनी होगी, ठीक है, पर किसकी वैलेंसी मैक्सिमम कितनी हो सकती है, इसके लिए बेटा एक रूल है और उस रूल का नाम है सिडविक मैक्सिमम कोवेलेंसी रूल। मतलब कौन कितना बॉन्ड बना सकता है, इसके लिए सिडविक ने एक रूल दिया था और उस रूल के अकॉर्डिंग बेटा अगर आपका पीरियड दो है तो जो पीरियड सेकेंड है वो चार मैक्सिमम कोवेलेंसी शो कर सकते हैं, तीसरे पीरियड या चौथे पीरियड वाले मैक्सिमम छह कोवेलेंसी शो करते हैं और पांचवे या छठवें पीरियड वाले एलिमेंट वो क्या मैक्सिमम एट कोवेलेंसी शो करते हैं। ठीक है, तो ये एक ऑर्डर आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट आता है बेटा कोवेलेंट बॉन्ड। तो कोवेलेंट कैसे बनता है ये हम नहीं बताएंगे बेटा, कोवेलेंट बॉन्ड दो टाइप के होते हैं वो मैं बता दूं आपको, एक होता है बेटा पोलर कोवेलेंट बॉन्ड और एक होता है दूसरा टाइप जो नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। अब इन दोनों में अंतर क्या है, देखो बेटा पोलर जो कोवेलेंट बॉन्ड होगा जो इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस होगा वो जीरो होगा। मान लो ए और बी है, इनके बीच में क्या है बॉन्ड बना है, तो ये पोलर है नॉन पोलर है, अगर एक्स की ये ना दोनों बराबर नहीं हो तो जाहिर सी बात है क्या होगा, इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस जीरो नहीं होगा, और जब जीरो नहीं होगा तो वो पोलर कोवेलेंट बॉन्ड होंगे। और पोलर कोवेलेंट बॉन्ड में बेटा आपको पता है कि आयनिक करेक्टर भी होगा, मतलब इसमें आयनिक बॉन्ड के भी करेक्टर होंगे, इसके अलावा कोवेलेंट बॉन्ड के भी करेक्टर होंगे। क्लियर। लेकिन अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जीरो हो गया, मतलब मान लो अगर ए और बी हैं, अगर दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है तो बेटा इन दोनों में क्या होगा, जाहिर सी बात है बॉन्ड जो होगा वो प्योरली कोवेलेंट होगा, मतलब 100% कोवेलेंट बॉन्ड होगा। इसे बॉन्ड को हम क्या कहेंगे, नॉन पोलर बॉन्ड। ठीक है, तो देखो बेटा अब पूछते हैं कि पोलर बॉन्ड में कितना आयनिक करेक्टर है कितना कोवेलेंट करेक्टर है, बेटा इसी पे तीन वो चीजें दी गई हैं और मैं बता दूं आपको कि बेटा पहले तो हमने बात किया था, पहले जो रूल दिया गया है पाउलिंग स्केल, पाउलिंग स्केल, और पाउलिंग स्केल के लिए मैंने बेटा बताया था अभी पीछे ही आपको बताया है
कि डेल्टा का एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन 1.7 होगा तो उसमें आयनिक करेक्टर ज्यादा होंगे, जबकि डेल्टा एक्स की वैल्यू लेस देन 1.7 होगा तो उसमें कोवेलेंट करेक्टर ज्यादा होंगे। ये तो मैं बता ही चुका हूँ। नेक्स्ट आता है बेटा क्या, हैनी स्मिथ इक्वेशन। हैनी स्मिथ इक्वेशन और हैनी स्मिथ इक्वेशन के अकॉर्डिंग क्या है वो हम बता दे बेटा। तो इन्होंने इक्वेशन बताया था, इन्होंने दिया था फार्मूला की जो परसेंटेज आयनिक करेक्टर होता है ये होगा 16 इंटू डेल्टा एक्स प्लस 3.5 डेल्टा एक्स का स्क्वायर। मतलब ये होता है डेल्टा एक्स यहाँ पे क्या बेटा, इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस, इससे आप परसेंटेज आयनिक करेक्टर निकाल सकते हैं। नेक्स्ट आता है बेटा दूसरा है, तीसरा है किसके द्वारा, बाई डायपोल मूवमेंट द्वारा, मतलब इसके द्वारा भी आप निकाल सकते हो। डायपोल मूवमेंट क्या होता है, ये होता है बेटा क्यू इंटू डी, क्लियर। क्यू क्या है चार्ज और डी क्या है उनके बीच की सेपरेशन, उनकी दूरी, ठीक है। अब देखो बेटा इसकी यूनिट क्या हो सकती है, तो इसकी यूनिट अगर सेंटीमीटर लो तो ये इसकी एसआई यूनिट है, अगर बेटा आपने लिया ईएसयू सेंटीमीटर तो ये होगा क्या इसकी सीजीएस यूनिट, ठीक है। इसके अलावा इसको बेटा हम डिबाई में भी कहते हैं। तो देखो डिबाई क्या होता है बेटा, एक डिबाई इक्वल टू होगा अगर ईएसयू की बात करें तो 10^-18 ईएसयू सेंटीमीटर, ठीक है। अगर सेंटीमीटर में कन्वर्ट करोगे तो हो जाएगा 3.3 × 10^30 सेंटीमीटर बेटा, ये इसका होगा ऑर्डर, ओके। बस अब आता है बेटा कि ठीक है चलो इससे परसेंटेज आयनिक करेक्टर कैसे निकालेंगे म्यू से। तो बेटा परसेंटेज आयनिक करेक्टर म्यू से निकालने का और सीधा सीधा फार्मूला है कि म्यू गिवन इंटू 10^2 अपॉन म्यू कैलकुलेटेड। मतलब बेटा एक क्वेश्चन में ये दे देंगे कि डायपोल मूवमेंट आपको वो दे देंगे, ठीक है। उसके बाद आपसे पूछेंगे बताओ परसेंटेज आयनिक करेक्टर क्या है, तो बेटा फिर आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, फिर इसको डिवाइड करके 10^2 से मल्टीप्लाई करोगे तो परसेंटेज आयनिक करेक्टर आ जाएगा, ठीक है। लेकिन एक कंडीशन में बता दूं बेटा, अगर क्वेश्चन में आपको दिया हो क्या न्यू जो है बेटा, ये जो दिया है ये किस में हो, डिबाई में दिया हो, और जो आपकी जो बॉन्ड लेंथ है, जो बॉन्ड लेंथ है बेटा ये क्या हो, एंगस्ट्रॉम में हो, मतलब उन दोनों के बीच की दूरी एंगस्ट्रॉम में दी गई हो, तब सीधा सीधा परसेंटेज आयनिक करेक्टर का एक फार्मूला होता है, वो होता है म्यू गिवेन। ये किस में होना चाहिए बेटा, ये ध्यान रखिए डिबाई में होना चाहिए तभी ये फार्मूला एक्ट करेगा। ये डिबाई में हो इंटू 10^2 अपॉन ये हो जाएगा बेटा आपका क्या 4.8 × d, और d मतलब क्या है बॉन्ड लेंथ, वो किस में होनी चाहिए एंगस्ट्रॉम में होनी चाहिए। तो इस फार्मूले को आप डायरेक्ट यूज कर सकते हो, वो तब यूज करोगे जब आपका जो डायपोल मोमेंट है वो डिबाई में दिया हो और लेंथ किस में दी गई हो एंगस्ट्रॉम में दी गई हो, ठीक है। नेक्स्ट आता है बेटा क्या, जैसे एग्जांपल के तौर पे एक क्वेश्चन मान लो, जैसे क्या है एक डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल है, एक डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल है, इसके लिए बेटा इन्होंने दे दिया डायपोल मोमेंट, वो दिया है कितना 1.2 डिबाई, तो जो बॉन्ड लेंथ है उसको दे दिया बेटा क्या 1 एंगस्ट्रॉम, तो पूछ रहे हैं बताओ उसमें परसेंटेज आयनिक करेक्टर क्या होगा। तो बस ये सीधा सीधा ये वाला फार्मूला आप यूज कर लोगे बेटा और सीधा सीधा इस क्वेश्चन को आप आंसर कर लोगे, ठीक है। इसके अलावा बेटा कोवेलेंट बॉन्ड में बात करें तो ये बेटा होते हैं डायरेक्शनल बॉन्ड। इनको डायरेक्शनल बॉन्ड क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये बेटा जियोमेट्री डिसाइड करते हैं, ठीक है। अब आते हैं बात कोऑर्डिनेट बॉन्ड की, कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या होता है, तो बेटा अगर इक्वल शेयरिंग हो तो वो कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा, और अनइक्वल शेयरिंग हो तो उसको क्या कहते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड। इसमें क्या होता है एक ही एलिमेंट क्या करता है इलेक्ट्रॉन को देगा और दोनों लोग शेयर कर लेंगे, तो ऐसे बॉन्ड को हम कोऑर्डिनेट बॉन्ड कहते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड, इसका दूसरा नाम, इसको बता हम डेटिव बॉन्ड भी कहते हैं, इसको हम डेटिव बॉन्ड भी कहते हैं। इसके अलावा बेटा इसको सेमी पोलर बॉन्ड भी कहा जाता है, तो अगर इन नामों से पूछे तो आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ओके। नेक्स्ट आता है बेटा, नेक्स्ट पॉइंट है जो इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कभी कभी आपको स्ट्रक्चर दे देंगे और पूछ लेंगे कि बताइए इसमें कौन सा स्ट्रक्चर सही है। तो देखो बेटा हम आपको एक चीज बता दें कि अगर ये पॉइंट आप इंपॉर्टेंट समझ के लिखो कि इफ डोनर एटम हैव इम्पटी डी ऑर्बिटल then coordinate bond
रिप्लेस्ड बाई डबल वॉट। बात समझ गए आप? नहीं समझे तो ऐसे समझो, ठीक है। जैसे मान लो क्या है, ये सल्फर ट्राई ऑक्साइड, इसका अगर बेटा स्ट्रक्चर बनाओगे तो ये ऐसे बनेगा। अब देखो, अगर हम ये कह रहे हैं कि अगर डोनर एटम के पास अगर इम्पटी डी ऑर्बिटल है तो वो बेटा इस कोऑर्डिनेट बॉन्ड को डबल बॉन्ड से रिप्लेस कर सकता है। बताओ बताओ, इसके ये डोनर एटम है, क्या इसके पास इम्पटी डी ऑर्बिटल है? बिल्कुल, इसके पास इम्पटी डी ऑर्बिटल है, तो बेटा ये तो स्ट्रक्चर है, हम इसको रिप्लेस कर देंगे इससे, ठीक है, हम इसको इससे रिप्लेस कर देंगे, ठीक है। और ये आपको बता दे बेटा कि ये क्या है, मोर स्टेबल स्ट्रक्चर है, ये मोर स्टेबल स्ट्रक्चर है। और जब आपसे अगर एग्जाम में पूछेगा कि कौन सा स्ट्रक्चर, ये वाला है ये वाला, तो बेटा आप इसको कहोगे, क्योंकि जो मोर स्टेबल होता है उसी को हम फिगर में बनाते हैं, ठीक है। तो इसको याद रखना कि अगर डी ऑर्बिटल डोनर एटम के पास है तो बेटा आप सिंगल बॉन्ड को, जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, इसको डबल बॉन्ड से रिप्लेस कर सकते हैं। और आपको पता है मोर कोवेलेंट बॉन्ड, मोर स्टेबिलिटी, तो यहाँ बेटा कोवेलेंट बॉन्डों की संख्या बढ़ जाने की वजह से ये मोर स्टेबल होगा। बेटा 2019 में भी ऐसे क्वेश्चन आ चुका है, उसमें ब्रोमीन डोनर एटम था और क्या कहते हैं बेटा, उसके बाद उसने ब्रोमीन का कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी बनाया था, इसके अलावा डबल बॉन्ड भी बनाया था। तो आपको किसको आंसर टिक करना था? डबल बॉन्ड वाले को। ये क्वेश्चन 2019 में आ चुका है। नेक्स्ट बात करते हैं इस पे, नेक्स्ट बात करते हैं बेटा वैलेंस बॉन्ड थियरी वीबीटी को। और वीबीटी किसने दिया था? ये दिया था पॉलिंग एंड स्लेटर ने, बेटा ये दिया था पॉलिंग और स्लेटर ने, और इन्होंने बताया था कि कैसे बॉन्डिंग होती है, ठीक है। तो देखो बेटा, मैं ज्यादा नहीं बताऊंगा कि कैसे बॉन्डिंग होती है, मैं इतना बता दूंगा कि उन्होंने बताया था कि सिग्मा बॉन्ड कैसे फॉर्म होता है और पाई बॉन्ड कैसे फॉर्म होता है, ठीक है। उन्होंने बताया था कि पाई बॉन्ड और सिग्मा बॉन्ड तभी बनेंगे जब प्रॉपर ओरिएंटेशन के साथ ऑर्बिटल एक दूसरे को अप्रोच करेंगे, तब सिग्मा बॉन्ड या पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। तो बेटा दो टाइप का अप्रोच उन्होंने बताया था, एक अप्रोच बताया था एंड टू एंड ओवरलैप करेंगे तब क्या होगा, और बेटा साइड वाइज ओवरलैपिंग हो, या फिर हम कह सकते हैं लैटरल ओवरलैपिंग, तो फिर क्या होगा। तो बेटा जब एंड टू एंड ओवरलैपिंग होता तो इस केस में सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है और साइड वाइज ओवरलैपिंग से पाई बॉन्ड बनता है, ठीक है, ओके। और मैं आपको बता दूं बेटा कि जो एस ऑर्बिटल होता है, एस ऑर्बिटल का ये शेप होता है, तो एस ऑर्बिटल ऑलवेज, ये ऑलवेज बेटा इंड टू इंड करता है, ठीक है, ये कभी भी साइड वाइज ओवरलैपिंग नहीं करेगा। इसका मतलब जब एस ऑर्बिटल अगर किसी में इन्वॉल्व हो रहा है तो आपको पता है कि हमेशा सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, एक पॉइंट यहाँ पे हो गया, ठीक है। नेक्स्ट आता है कि कभी कभी क्वेश्चन ये दे देंगे, जैसे आपके एनटीए टेस्ट में आ चुका है कि बताओ बेटा इन दोनों का ऐसे एक दूसरे से अप्रोच कर रहे हैं तो क्या बॉन्ड फॉर्मेशन होगा, तो बेटा बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं होगा, ये इंड टू इंड होना चाहिए। मतलब क्या होना चाहिए, ये और ये क्या होना चाहिए, एक दूसरे को अप्रोच करते हुए होने चाहिए। इसके अलावा ओरिएंटेशन सही होना चाहिए, अगर ये पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव एंड इसके साथ होना चाहिए, निगेटिव एंड इस साइड। इसका रीजन क्या है, इससे कोई जानने की जरूरत नहीं है, अभी आपको सिर्फ इतना पता है पॉजिटिव पॉजिटिव के साथ है तो बॉन्ड बनेगा, पॉजिटिव नेगेटिव है तो बॉन्ड नहीं बनेगा, सिर्फ इतना कॉन्सेप्ट याद रखो आप, ठीक है। एक ये हो गया एंड टू एंड ओवरलैपिंग, तो इससे बटा क्या बनेगा, सिग्मा बॉन्ड। अब आता है साइड वाइज ओवरलैपिंग, जैसे साइड वाइज ओवरलैपिंग में क्या होगा बेटा, जैसे मान लो ये क्या है, एक पी ऑर्बिटल है और दूसरा पी ऑर्बिटल, इससे क्या करे, साइड वाइज ओवरलैप कर ली, ये कर लिया इसने, तो ये बेटा यहाँ जो बॉन्ड फॉर्मेशन होगा वो कौन बनेगा, पाई बॉन्ड बनेगा, ठीक है। लेकिन ये कैसे बनेगा, इसके लिए भी एक एग्जांपल मैं बता दूं आपको। मान लो कि क्या है कि जो जेड है हमारा वो इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है, तो पूछ रहे हैं कि किसमें कौन सा बॉन्ड फॉर्मेशन होगा, ये हमारा क्वेश्चन है। तो उन्होंने दे दिया कि मान लो पी एक्स पी एस अप्रोच कर रहे हैं एक दूसरे को तो बॉन्ड बनेगा, कौन बनेगा, पी वाई अप्रोच कर रहे हैं तो क्या होगा, पी जेड कर रहे हैं तो क्या होगा, पी एक्स पी जेड कर रहे हैं तो क्या होगा, और पी जेड पी वाई कर रहे हैं तो क्या होगा, ये आपका क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है। तो देखो बेटा, अगर जेड इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है, मान लो ये क्या हो गई, जेड आपकी इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, तो जाहिर सी बात है इसके परपेंडिकुलर एक्सिस क्या है आपकी, एक्स होगी और इसके परपेंडिकुलर वाई होगी, ठीक है। तो देखो, अगर जेड इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है तो इस एक्सिस के अलांग क्या होगा, एंड टू एंड ओवरलैपिंग होगी, तभी तो
तो इसका मतलब इंड टू इंड ओवरलैपिंग होगी। तो अगर एक्स एक्सिस के अलांगे तो जाहिर सी बात है इसकी साइड वाइज ओवरलैपिंग होगी, अगर वाई एक्सिस के अलांग करेंगे तो भी साइड वाइज ओवरलैपिंग होगी, ठीक है। यही पॉसिबिलिटी बनती है, साइड वाइज ओवरलैपिंग होगी तो दोनों एक्स एक्स वाले होने चाहिए अगर, या फिर वाई वाई, और इंड टू इंड होगा तो क्या होना चाहिए, दोनों जेड एक्सिस वाले होने चाहिए। बस देखो पीएक्स पीएक्स है, साइड वाइज ओवरलैपिंग क्या बॉन्डिंग होगी, पाई बॉन्ड बनेगा। नेक्स्ट पीवाई पीवाई, यहाँ भी क्या होगा, पाई बॉन्ड बनेगा बेटा। पीजेड 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 क्या है, मेन इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है, तो यहाँ पे क्या बनेगा आपका बेटा, सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है आपका इंड टू इंड हो रहा है, तो यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड बनेगा। नेक्स्ट आता है बेटा पीएक्स पीजेड, पीएक्स पीजेड बेटा ओरिएंटेशन नहीं है, पीएक्स पीजेड ओरिएंटेशन नहीं है तो क्या होगा, मतलब एक ऑर्बिटल मान लो ऐसे होगा दूसरा ऑर्बिटल ऐसे होगा तो क्या बॉन्ड बनेगा, नहीं बनेगा, तो यहाँ बॉन्ड नहीं बनेगा, और सेम चीज यहाँ भी लागू होगी, यहाँ भी बॉन्ड नहीं बनेगा, ठीक है। अब इसके बाद आता है बेटा इसमें क्या है, आता है कि बॉन्ड एनर्जी का ऑर्डर पूछते हैं आपका, तो बॉन्ड एनर्जी का ऑर्डर क्या होगा बेटा वो देख लो, तो हम बात करेंगे क्या ऑर्डर ऑफ बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड एनर्जी के ऑर्डर की बात करें तो बेटा देखो अगर सेम शेल है तब बॉन्ड एनर्जी का ऑर्डर क्या होगा, और अगर डिफरेंट शेल्स हैं तो फिर बॉन्ड एनर्जी का ऑर्डर क्या होगा, ये आपको पता होना चाहिए। तो देखो सेम शेल है तो 2p 2p का सबसे ज्यादा होता है, देन 2s 2p का होगा बेटा, और लास्ट में होगा 2s 2s का, क्लियर। लेकिन अगर बात करें डिफरेंट शेल तो सबसे ज्यादा 1s 1s का होगा, देन 1s 2p और फिर होगा बेटा 2p 2p का, ऐसे ऑर्डर आपको डायरेक्ट पूछे जाते हैं, तो इसको आप आंसर कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा बेटा हाइब्रिडाइजेशन भी आता है, और कौन कितना एंगल होता है, तो बेटा देखो देखो आपको पता है कि जो हाइब्रिडाइजेशन निकालने के तरीके अलग अलग है, मैं सिर्फ एक तरीका बताता हूँ, वो बेटा इलेक्ट्रॉन पेयर मेथड। इलेक्ट्रॉन पेयर क्या होता है, बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर ये मिलके क्या बनाते हैं आपका, वो बनाएंगे हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। अगर इलेक्ट्रॉन पेयर की वैल्यू 2 है तो बेटा हाइब्रिडाइजेशन जो होता है वो होता है sp, और शेप क्या होता है लीनियर, ठीक है। और बेटा इसमें जो एंगल होगा 180 डिग्री का एंगल होता है, ठीक है, 180 डिग्री का एक एंगल पाया जाएगा। हाइब्रिडाइजेशन अगर बेटा आपका इलेक्ट्रॉन पेयर की वैल्यू 3 है तो हाइब्रिडाइजेशन बेटा sp2 होता है, शेप होता है बेटा ट्राइगोनल प्लेनर, और इसमें बेटा एंगल 120 डिग्री के 3 एंगल पाए जाते हैं। नेक्स्ट बेटा 4 हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगा, और बेटा इसका शेप क्या होता है, इसका शेप होता है टेट्राहेड्रल, और बेटा इसका एंगल अगर हम बात करें तो 109 डिग्री 28 मिनट्स के बेटा 4 एंगल इसमें पाए जाते हैं, ठीक है, ओके। नेक्स्ट अगर इलेक्ट्रॉन पेयर की वैल्यू क्या हो बेटा 5 हो तो हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3d, और बेटा इसके जो बॉन्ड एंगल होते हैं वो होते हैं बेटा, देखो इसका शेप कैसे होता है, तो इसका शेप होता है बेटा क्या ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, ये होता है, ओके। अब देखो इसको ऐसे समझो आप बेटा, मान लो ये ट्राइगोनल, तो एक ट्राइगोन बना लो, देखो बेटा इसमें बॉन्ड एक्चुअली ऐसे होते हैं, ये हो गया ट्राइगोन, और यहाँ पे होता है बेटा ये बॉन्ड ऊपर का, ये कैसे नीचे, एक्चुअली ऐसे स्ट्रक्चर होता है, ये हो गया, ये होगा ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, ठीक है। और बेटा ये देखो जो इसको बोलते हैं हम एक्सियल एंगल, एक्सियल बॉन्ड लेंथ, और यहाँ पे होगी बेटा इसको हम कहते हैं इक्वेटोरियल, ठीक है। तो जो इक्वेटोरियल बॉन्ड लेंथ है और जो एक्सियल बॉन्ड लेंथ है ये दोनों बेटा अलग अलग होती हैं, जो एक्सियल बॉन्ड लेंथ है ये ज्यादा होती है तुम्हारा इक्वेटोरियल बॉन्ड लेंथ से, ये कभी कभी पूछ लेता है बताओ कौन सा ऐसा हाइब्रिडाइजेशन है जिसमें जो हाइब्रिड ऑर्बिटल बनते हैं उनकी बॉन्ड लेंथ में अंतर होता है, तो बेटा यही है sp3d या ट्राइगोनल बाइपिरामिडल जिसका शेप होता है, ठीक है। बात करें एंगल की तो बेटा देखो इसमें 120 के कितने होंगे 3 एंगल, 180 के बेटा होता है आपका 180 डिग्री का एक एंगल, और 90 के बात करें तो बेटा ये होंगे आपके 6 एंगल, ठीक है, तो एंगल भी आपसे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट बेटा अगर इलेक्ट्रॉन पेयर की वैल्यू 6 है तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp3d2 शेप होता है बेटा स्क्वायर बाई पिरामिडल, ये इसका शेप होता है। अगर एंगल की बात करें तो बेटा ऐसे स्ट्रक्चर होगा इसका, ये एक बेटा यहाँ ऊपर होगा और एक ऐसे नीचे होता है, फिर यहाँ से क्या बन जाएगा पिरामिड बन जाएगा, ये तो स्ट्रक्चर बनेगा, एक ऐसे भी एक पिरामिड यहाँ पे फॉर्म हो जाता है। तो बेटा देखो
ये है तो आपको पता है सभी आपस में 90 है, तो चार एंगल ये हो गया, और बेटा एक जो आम से ये भी यहाँ बनाएगी, एक आम से इससे बनाएगी, तो चार प्लस चार प्लस चार टोटल 180 के कितने हो गए, सॉरी 90 के कितने, 12 जो बॉन्ड एंगल होते हैं वो 90 के होंगे। 180 के बता देखो, एक ये होगा, दूसरा ये होगा, तीसरा ये होगा, तो 180 डिग्री के तीन क्या होते हैं, एंगल होंगे। अगर हाइब्रिडाइजेशन हमने सात ले लिया, मतलब इलेक्ट्रॉन पेयर की वैल्यू बेटा हमने सेवन ले लिया, तो उस केस में होगा कि जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वो हो जाता है बेटा क्या, sp3d3, और इसमें बेटा जो शेप होता है वो होता है आपका पेंटागोनल बाईपिरामिडल। पेंटागोनल बाईपिरामिडल इसका शेप होगा। बिटमें इसमें एंगल की बात करें तो 180 डिग्री का बेटा इसमें एक एंगल होता है, 70 डिग्री के इसमें पांच एंगल होते हैं, और 90 डिग्री के बेटा इसमें आपको 10 एंगल मिलेंगे। कभी कभी ये क्वेश्चन आ जाएगा तो बेटा इसको आप आसानी से कर सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट आता है बेटा, नेक्स्ट आता है कि जो है जो बॉन्ड एनर्जी है वो तो हमने बता दिया, अब बॉन्ड एनर्जी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और बाकी ओवरलैपिंग पावर में क्या वेरिएशन है। तो देखो इसको आप याद रखो, SOPL सोप लोगे इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा बेटा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा बॉन्ड एनर्जी के। अब इसका यहाँ SOP का मतलब क्या है ये हम बता दें, तो बेटा यहाँ S है, S कहता है साइज ऑफ ऑर्बिटल। अगर ऑर्बिटल की साइज ज्यादा है तो बेटा उसकी बॉन्ड एनर्जी कम होगी, ठीक है। O फॉर बेटा है ओवरलैपिंग पावर, ओवरलैपिंग पावर एक रिलेशन ये होगा। P है बेटा यहाँ फॉर परसेंटेज पी कैरेक्टर, और यह है बेटा यहाँ पे क्या बॉन्ड लेंथ, और एक्स क्या है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, और बी क्या है बॉन्ड एनर्जी, ठीक है। तो बेटा साइज ऑफ ऑर्बिटल ज्यादा तो ओवरलैपिंग पावर ज्यादा, तो परसेंटेज पी कैरेक्टर ज्यादा तो बॉन्ड लेंथ ज्यादा, पर उसकी बॉन्ड एनर्जी कम होगी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी, ठीक है। ये एक ऑर्डर हो गया जो आपको काम आएगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है बेटा वेस्पर थियरी, और वेस्पर थियरी हम इसलिए किसके लिए यूज करते हैं, आपको पता है वेस्पर थियरी यूज की जाती है फॉर शेप ऑफ ऑर्बिटल के लिए, मतलब शेप ऑफ मॉलिक्यूल के लिए हम इसको यूज करते हैं। तो इसमें आता है बेटा रिपल्सन प्रेशर का जो ऑर्डर होता है वो क्या होता है, तो आपने पढ़ा होगा लोन पेयर रिपल्सन सबसे ज्यादा होता है, फिर उसके बाद लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन होता है, फिर लास्ट में होता है बॉन्ड पेयर रिपल्सन। ऐसे करके क्या होता है बेटा ओवरऑल आपकी वैल्यूज आती है, ठीक है। तो ये ऑर्डर सीधा सीधा आपसे पूछा है, ठीक है। अब आता है बेटा कि अगर लोन पेयर हो तो फिर शेप क्या होगा, ज्योमेट्री तो मैं पहले ही बता चुका हूँ बेटा। तो देखो अब एक एक करके हम पढ़ेंगे कि अगर इलेक्ट्रॉन पेयर में बॉन्ड पेयर कितना है और लोन पेयर कितना है उसके बेसिस पे शेप क्या होगा, ठीक है, ये होगा। और हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा ये भी हम बात करेंगे, ठीक है। चलो तो करते हैं। तो सबसे पहले अगर बेटा इलेक्ट्रॉन पेयर की वैल्यू दो है और मान लो बॉन्ड पेयर भी दो है, लोन पेयर जीरो है, तो बेटा हाइब्रिडाइजेशन sp होगा, cf आपका लीनियर होता है, ओके। नेक्स्ट अगर मान लो इलेक्ट्रॉन पेयर की वैल्यू दो है लेकिन अब बॉन्ड पेयर कितना है, वन, और एक लोन पेयर है, तो भी हाइब्रिडाइजेशन sp होगा और शेप क्या होगा, लीनियर ही होगा। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम किसकी, कि अगर मान लो बॉन्ड पेयर तीन है, तो बेटा अगर तीन बॉन्ड पेयर एक लोन पेयर, कोई लोन पेयर नहीं है, तो हाइब्रिडाइजेशन sp2 होगा और शेप होगा ट्राइगोनल प्लेनर, यही तो होता है। लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन पेयर तीन है जिसमें दो बॉन्ड पेयर है एक लोन पेयर है, हाइब्रिडाइजेशन तो वही होगा लेकिन अब शेप चेंज हो जाएगी, शेप हो जाता है वी शेप्ड, या इसको बेंट शेप्ड भी कहते हैं। सेम अगर क्या हुआ बेटा, आपके इलेक्ट्रॉन पेयर तीन है लेकिन अब एक बॉन्ड पेयर है, दो लोन पेयर है, हाइब्रिडाइजेशन वही होगा लेकिन अब शेप क्या हो जाएगा बेटा, लीनियर शेप हो जाएगा, तो ये आपको याद रखना। नेक्स्ट बात करें अगर इलेक्ट्रॉन पेयर कितना है, चार, बॉन्ड पेयर चार है, लोन पेयर जीरो है, तो इस केस में हाइब्रिडाइजेशन बेटा sp3 होगा और शेप होगा टेट्राहेड्रल, ओके। नेक्स्ट अगर सेम है, ये तीन हो गया बॉन्ड पेयर एक लोन पेयर, हाइब्रिडाइजेशन वही होगा sp3, पर शेप अब चेंज हो जाएगा, शेप हो जाएगा पिरामिडल, लाइक क्या अमोनिया, इसका एग्जाम्पल बेटा, एग्जाम्पल नहीं दे रहे हैं बस आपको रिमाइंड करा रहे हैं। अभी भी क्या है, इलेक्ट्रॉन पेयर चार है लेकिन अब बॉन्ड पेयर दो हो गए, दो लोन पेयर हो गए, तो बेटा हाइब्रिडाइजेशन तो वही होगा लेकिन अब शेप जो होगा चेंज हो जाएगा और वो हो जाएगा वी शेप,
ओके। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं, अगर बेटा इलेक्ट्रॉन पेयर की वैल्यू 5 है और आपका 5 बॉन्ड पेयर है, 0 लोन पेयर है। बेटा इलेक्ट्रॉन पेयर ये है, बॉन्ड पेयर ये है आपका, प्लस लोन पेयर ये आपको पता ही है ये होता है, और ये हाइब्रिडाइजेशन और ये सेट की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो बेटा हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp3d, और आपका शेप क्या होता है, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, यही तो शेप होगा। लेकिन अगर हाइब्रिडाइजेशन मतलब यही है, इलेक्ट्रॉन पेयर 5 है, बॉन्ड पेयर 4 हो गया, एक लोन पेयर होगा, हाइब्रिडाइजेशन sp3d होगा, लेकिन शेप हो जाता है आपका सीसा शेप, ये सीसा शेप हो जाएगा, ओके। नेक्स्ट, अगर इलेक्ट्रॉन पेयर की वैल्यू 5 है, बॉन्ड पेयर 3 है, लोन पेयर 2 है, हाइब्रिडाइजेशन sp3d होगा, लेकिन शेप अब क्या हो जाएगा, टी शेप्ड हो जाता है। नेक्स्ट, अगर बॉन्ड पेयर की वैल्यू 5 मतलब इलेक्ट्रॉन पेयर की वैल्यू 5, जिसमें 2 बॉन्ड पेयर 3 लोन पेयर है, हाइब्रिडाइजेशन वही होगा, लेकिन बेटा शेप अब इसकी क्या हो जाएगी, लीनियर शेप हो जाएगी, ओके। नेक्स्ट बात करें, अगर 6 है इलेक्ट्रॉन पेयर, 6 इलेक्ट्रॉन पेयर में क्या है, 6 बॉन्ड पेयर है, 0 लोन पेयर है, तो हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3d2, शेप होगा स्क्वायर बाई पिरामिडल, यही तो होगा। लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन पेयर 6 है, जिसमें क्या है, इसकी तीसरी कंडीशन क्या है कि अगर हो गया इसमें बेटा 5 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर, तो हाइब्रिडाइजेशन तो वही होगा, लेकिन अब शेप चेंज हो जाएगी, वो हो जाएगा स्क्वायर पिरामिडल, स्क्वायर पिरामिडल हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर क्या है, बॉन्ड पेयर 4 है, लोन पेयर 2 हो गए, तो हाइब्रिडाइजेशन वही होगा, लेकिन शेप हो जाएगा स्क्वायर प्लेनर, ओके। अगर हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉन पेयर 7 है, तो ये होगा कि 7 बॉन्ड पेयर हो, 0 लोन पेयर हो, तो हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3d3, और शेप क्या होगा, पेंटागोनल बाई पिरामिडल, यही तो होता है, ये होगा। लेकिन अगर मान लो 6 बॉन्ड पेयर होगा, 1 लोन पेयर होगा, तो हाइब्रिडाइजेशन तो sp3d3 होगा, लेकिन अब इसका शेप हो जाएगा डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल, ये कभी कभी पूछ सकते हैं आपसे, ये हो गया, ठीक है। तो ये हो गया वेस्पर थियरी से रिलेटेड जो पॉइंट्स हमने बता दिए, ठीक है। अब इसके बाद आता है बेटा बैक बॉन्डिंग, बैक बॉन्डिंग में आपने पढ़ा होगा पी पाई बैक बॉन्डिंग, और पढ़ा होगा बेटा पी पाई डी पाई बैक बॉन्डिंग, ठीक है। बेटा बैक बॉन्डिंग क्या होती है ये नहीं पता है, मैं आपको बता दूं कि जो बोरान फ्लोराइड है, जैसे बोरान फ्लोराइड हो गया, बोरान क्लोराइड ट्राइक्लोराइड हो गया, ये हो गया BBr3 और ये हो गया Bi3, इनमें क्या होता है बैक बॉन्डिंग पाई जाती है, और बैक बॉन्डिंग पाई जाने की वजह से इनकी एसिडिक स्ट्रेंथ कम होती है, ठीक है। तो बैक बॉन्डिंग जो होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है एसिडिक स्ट्रेंथ के, और बेटा इसमें सबसे ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ किसकी होगी, ये इंक्रीजिंग कम है, क्योंकि बैक बॉन्ड साइज पे डिपेंड करते, जितना ज्यादा बैक बॉन्डिंग होगी उतना ज्यादा क्या होगा एसिडिक स्ट्रेंथ, तो ये एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर हो गया। इसके अलावा बेटा आता है कभी कभी पूछते हैं कि जो ट्राइसिलाइल एमीन है और ट्राई मिथाइल एमीन और ट्राइसिलाइल एमीन में आप बताओ किसकी बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा है, तो बेटा इसमें ट्राई मिथाइल एमीन की ज्यादा होती है ट्राइसिलाइल एमीन की। इसका रीजन है क्योंकि इसमें पी पाई डी पाई बैक बॉन्डिंग पाई जाती है, जब भी क्वेश्चन आएगा एसएस यही आएगा, रीजन भी यही होगा, ओके। नेक्स्ट आता है बेटा आप डायपोल मूवमेंट, तो हमने पढ़ा ही है कुछ का कंडीशनल डायपोल मूवमेंट, जैसे दे लेते हैं, जैसे कहेंगे कि NF3 का बताओ और NH3, इन दोनों में किसका ज्यादा होता है, तो बेटा आपको पता है NH3 का ज्यादा होता है। रीजन ये है कि NF3 का बेटा अगर फिगर बनाओ तो देखो ये हो गया यहाँ फ्लोरिन, ठीक है। अब आप बताओ जो डायपोल मूवमेंट का वो जो ऑर्डर होगा ये क्या होगा, इधर होगा, ऐसे होगा, और अगर NH3 का बनाओ आप तो बेटा इसका फिगर ऐसे बनेगा, ये हो गया H, ठीक है। डायपोल मोमेंट देखो बेटा इसमें ऐसे होगा, डायपोल मोमेंट की जो डायरेक्शन है वैसे होगी। अब बताओ ये दो तीन अपोज कर रहे हैं, एक सपोर्ट कर रहा है, जबकि सभी सपोर्ट कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है क्या होगा, ये जो डायपोल मोमेंट होगा वो ज्यादा होगा इसके कंपेयर में, ठीक है। ये कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है। नेक्स्ट आता है बेटा कि जो डायपोल मोमेंट आपको पता है जो सिस स्पीसीज होती है उसका ज्यादा होता है डायपोल मोमेंट ऑफ ट्रांस स्पीसीज, ये आपको पता ही है, तो एक पॉइंट ये हो गया। नेक्स्ट पॉइंट आता है बेटा कि डायपोल मूवमेंट में और बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड एनर्जी आपने पढ़ा होगा, मतलब बॉन्ड कैरेक्टरिस्टिक्स की हम बात कर रहे हैं, बॉन्ड कैरेक्टरिस्टिक्स,
और बॉन्ड कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या आ जाएंगे बेटा, बॉन्ड एनर्जी आ जाएगी, बॉन्ड लेंथ आ जाएगी और बॉन्ड एंगल। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे बेटा बॉन्ड लेंथ की। तो जो बॉन्ड लेंथ होती है बेटा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है बॉन्ड एनर्जी के, और ये डायरेक्टली होगा बेटा साइज ऑफ एटम के। क्लियर, और ये होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू परसेंटेज पी कैरेक्टर। ठीक है, ये एक ऑर्डर मैंने पहले ही बताया यहाँ भी। तो इससे दो आपके क्वेश्चन हो जाएंगे, बॉन्ड एनर्जी वाले हो जाएंगे और बॉन्ड लेंथ वाले हो जाएंगे। अब बात करते हैं हम किसकी, बॉन्ड एंगल की। ठीक है, तो देखो बॉन्ड एंगल में दो कंडीशन है। पहला, अगर पहली कंडीशन है कि बेटा इफ हाइब्रिडाइजेशन डिफरेंट, अगर हाइब्रिडाइजेशन अलग अलग है तब बॉन्ड एंगल बताना आसान है। जैसे मान लो क्या है, सी एच फोर हो गया, ये हो गया सी एच टू सी एच टू, और ये हो जाएगा क्या सी एच सी एच। ठीक है बेटा, ये क्या है, इसका हाइब्रिडाइजेशन निकालो एस पी थ्री, इसका निकालो एस पी टू, और इसका क्या हो जाएगा एस पी। अगर ऐसी केस होगी तो जो बॉन्ड एंगल होता है बेटा ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा परसेंटेज एस कैरेक्टर के। ठीक है, और परसेंटेज एस कैरेक्टर देखो तो सबसे ज्यादा इसमें है, तो सबसे ज्यादा बॉन्ड एंगल इसका, देन इसका बॉन्ड एंगल होगा। ठीक है, तो ये हो गया जब हाइब्रिडाइजेशन क्या हो, अलग अलग हो। ठीक है, लेकिन अगर हाइब्रिडाइजेशन सेम है, सेकेंड कंडीशन क्या है आपकी कि हाइब्रिडाइजेशन हाइब्रिडाइजेशन सेम हो। तो जब हाइब्रिडाइजेशन सेम हो तब क्या कंडीशन है, तो देखो बेटा अब जब हाइब्रिडाइजेशन सेम है तो दो चीजें होती हैं कि जो सेंट्रल एटम है उसके पास नो लोन पेयर, कोई भी लोन पेयर ना हो, और क्या हो कि लोन पेयर प्रेजेंट हो। इस केस में क्या होगा कि लोन पेयर प्रेजेंट नहीं होगा तो सभी का जो होगा वो सेम होगा। जैसे मैं करूं कि जैसे क्या हो गया बी एफ थ्री बी सी एल थ्री और ये हो गया बी बी आर थ्री। ठीक है बेटा, इसमें पूछेंगे कि बॉन्ड एंगल का ऑर्डर बताओ, तो ये क्या होंगे बी बी आर थ्री, बेटा क्या था बी एफ थ्री एंड बी सी एल थ्री, यही तो था। अब देखो इसमें पूछेंगे कि बताओ बॉन्ड ऑर्डर बॉन्ड एंगल का, तो देखो बेटा इसके पास क्या लोन पेयर है, नहीं है, तो इनके जो बॉन्ड एंगल हो गए वो सब आपस में बराबर होंगे। ठीक है, नेक्स्ट आता है बेटा, नेक्स्ट आता है अगर लोन पेयर हो, सेकंड कंडीशन क्या थी, जब लोन पेयर हो, तो लोन पेयर हो तो बेटा देखो उसके लिए है कि जो बॉन्ड एंगल होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा लोन पेयर के। ठीक है, और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंटर एटम, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंटर एटम के डायरेक्टली, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सराउंडिंग एटम के। ओके, और ये डायरेक्टली होता है बेटा स्टेरिक हिंड्रेंस के, स्टेरिक हिंड्रेंस के डायरेक्टली होगा। अब कुछ क्वेश्चन में आपको करा दे रहा हूं बॉन्ड एंगल के, तो ये कॉन्सेप्ट थोड़ा क्लियर हो जाएगा। ओके, जैसे बेटा बॉन्ड एंगल में पहला क्वेश्चन हमने लिया है, जैसे H2O हो गया H2S और H2SE और ये हो गया H2T, इनके बॉन्ड एंगल का ऑर्डर बताना है आपको। तो कैसे बताओगे बेटा, देखो इस पे हाइब्रिडाइजेशन भी सेम है, लोन पेयर सब पे दो दो हैं, तो इससे तो कर नहीं करेंगे, तो फिर किससे करेंगे, तो इसको करेंगे। आपको पता है बॉन्ड एंगल क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंटर एटम, और सेंटर की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर देखो सबसे ज्यादा इसका, देन इसका, देन इसका, तो बॉन्ड एंगल का भी ऑर्डर क्या होगा, यही होगा। तो एक क्वेश्चन ये हो गया। अब बात करते हैं, जैसे मान लो क्या हो गया, अमोनिया हो गया PS3 ASS3 और SBS3। ठीक है, इसमें भी वही होगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर में देखो तो सेंट्रल का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर ज्यादा, तो ये ज्यादा। ठीक है, अब बात करते हैं एक और बात क्वेश्चन हो गया, एक हो गया मान लो क्या है NF3 NCl3 NBr3 और ये हो गया NI3, ये हो गया। अब पूछते हैं बताओ इसमें क्या होगा बेटा, तो देखो इसमें होगा बेटा कि ये क्या है, पता आपको पता है सेंटर एटम तो सेम है, तो क्या करेंगे जो बॉन्ड एंगल होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सराउंडिंग एटम, और सराउंडिंग में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज्यादा, इसकी ज्यादा, और जब इसकी ज्यादा तो बॉन्ड एंगल इसका कम, तो सबसे कम बॉन्ड एंगल इसका होगा, देन इसका होगा, देन इसका होगा, तो इसके लिए ऑर्डर आपका ये आएगा। ठीक है, ओके। अब कभी कभी पूछ लेते हैं बेटा बताओ OH2 में OF2 OCl2 और OBr2 में, ठीक है, तो बेटा इसमें ये कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा। रीजन ये है कि क्योंकि इसमें स्टेरिक वो की स्टेरिक हिंड्रेंस भी कंसीडर किया जाता है, तो इसके लिए आप सीधा सीधा याद रख लो बेटा OBr2 की सबसे ज्यादा बॉन्ड एंगल होगी, देन OCl2 की होगी,
एंड देन किसकी होगी OH2 एंड लास्ट में होगा बेटा OF2, ठीक है। और ये बेटा आपको पता है 105 डिग्री होता है, उससे ये ज्यादा बॉन्ड एंगल होती है, ठीक है। तो बेटा एक ऑर्डर ये है, इसको आप याद कर लो, क्योंकि जब भी एग्जाम में अगर ये आएगा तो बेटा सीधा सीधा यही आएगा। तो बेटा देखिए इसको चीज को आप याद कर लो, ठीक है। तो बेटा जितना हो सकता है मैंने इस बेस्पर्थ थ्योरी में बॉन्ड एंगल वगैरह को कवर करने की कोशिश की है, फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप मुझसे पूछ सकते हो, बिल्कुल कमेंट बॉक्स में आप मुझसे बिल्कुल डाउट पूछ सकते हो। नेक्स्ट है बेटा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी MOT, ठीक है। बेटा MOT में बॉन्डिंग कैसे बनता है, एंटी बॉन्डिंग कैसे बनता है, ये सब चीजें आपको पता होगी। बस मैं यहाँ पे बताऊंगा बेटा इसका एप्लीकेशन की बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालते हैं और बेटा इलेक्ट्रॉन फिलिंग कैसे करते हैं। तो पहले मैं बेटा इलेक्ट्रॉन फिलिंग बता दूं, देन बॉन्ड ऑर्डर बताऊंगा। देखो अगर बेटा जेड की वैल्यू लेस देन या इक्वल टू क्या हो, 14 हो, तब इलेक्ट्रॉन फिलिंग कैसे करेंगे। तो इसके लिए बेटा देखो इलेक्ट्रॉन फिलिंग ऐसे करते हैं कि पहले होगा क्या σ1s, फिर σ एंटी बॉन्डिंग 1s, फिर होगा बेटा σ2s, फिर σ एंटी बॉन्डिंग 2s, फिर उसके बाद क्या होगा बेटा π2πPy बॉन्डिंग 2πPyz बॉन्डिंग, उसके बाद होगा क्या बेटा 2πPx, ठीक है। आप किसी दो को बराबर कर सकते हो, ये दोनों क्या होंगे आपस में बराबर होंगे, ओके। इसके अलावा होगा बेटा पाई एंटी बॉन्डिंग पी वाई और पाई 2π एंटी बॉन्डिंग, ये 2π एंटी बॉन्डिंग पी जेड, और ये हो जाएगा बेटा क्या 2π एंटी बॉन्डिंग पी एक्स। ये तब होगा जब इलेक्ट्रॉन की फिलिंग कब करोगे आप, ये तब करोगे जब उसकी वैल्यू लेस देन या इक्वल टू 14 हो। लेकिन अगर जेड की वैल्यू ग्रेटर देन 14 हो तब क्या करेंगे, तो इस केस में बेटा कुछ नहीं करना है, ये जो दिख रहा है आपको बस इस पे चेंज आएगा, और चेंज ये आएगा कि ये इधर कन्वर्ट हो जाएगा और ये इधर कन्वर्ट हो जाएगा। तो न्यू जो होगा बेटा ये एज सिमिलर ही रहेगा, नया वाला मैं बता दूं ये हो जाएगा 2πPx और इधर हो जाएगा क्या 2πPy इक्वल टू 2πPz, मतलब ये हो जाएगा, इसके बाद इसमें फिलिंग होगी, क्लियर, मेरा मतलब ये था। अब बेटा यहाँ पे जो फिलिंग है मैंने इन दोनों को ऊपर नीचे क्यों लिखा है, देखो जब इलेक्ट्रॉन फिल करोगे, जैसे मान लो क्या होगा 13 इलेक्ट्रॉन आपको फिल करना है, तो दो यहाँ भरोगे, दो यहाँ भरते हुए चले जाओगे, लेकिन इस केस में क्या होगा, ये दोनों जो ऑर्बिटल है, ये ऑर्बिटल और ये ऑर्बिटल, ये दोनों क्या है बेटा डी जनरेट ऑर्बिटल है, ये भी डी जनरेट है और ये भी डी जनरेट है। कभी कभी आपसे पूछ लेते हैं कि बताओ डी जनरेट ऑर्बिटल क्या होगा, तो ये भी डी जनरेट है, और जब डी जनरेट है तो इनकी एनर्जी सेम है, तो सबसे पहले इसमें भरेगा, देन इसमें भरेगा, फिर इसकी पेयरिंग होगी, देन इसकी पेयरिंग होगी, ऐसे इलेक्ट्रॉन फिलिंग होंगे, ठीक है। तो बस मेरा मतलब यही था, जब भी अगर इस फॉर्म में देगा तो आपको ऐसे निकालना है। नेक्स्ट आता है बेटा क्या, बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालोगे। तो बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है, बॉन्ड ऑर्डर होता है बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस एंटिंग बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन अपॉन 2, मतलब बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन है और एंटी बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन है, उसको अगर 2 से डिवाइड करते हैं तो बेटा हमें क्या मिल जाता है, बॉन्ड ऑर्डर मिल जाता है, ठीक है, ओके। बेटा आपको कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा कि कई लोगों ने ट्रिक बताया होगा कैसे करना है, एक चीज मैं यहाँ आपको बता दूं, आपको याद रखना है बाबा के 2 बेटे 3 बेटे जिनमें वो 2 बेटों को बहुत ज्यादा मानता है, और उनकी क्या है 3 औलादे हैं जिसमें से 2 औलादों को वो ज्यादा मानते हैं। बाबा के 3 बेटे और 3 औलादे, उनकी 3 औलादों को वो 2 को ज्यादा मानता है, 1 को कम मानता है, रीजन क्या है। देखो बेटा ये हो गया बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग, बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग, बॉन्डिंग बॉन्डिंग बॉन्डिंग, और ये क्या एंटी बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग एंडिंग बॉन्डिंग। अगर मान लो क्या है 14 इलेक्ट्रॉन है, मतलब क्या है 16 इलेक्ट्रॉन है और तुम्हें फिलिंग करनी है इलेक्ट्रॉनों की, तो कैसे करोगे, बस 2 4 6 8 10 2 12 2 14, लेकिन अब क्या होगा बेटा 15 16 नहीं, पहले 1 यहाँ भरा जाएगा और 1 यहाँ भरा जाएगा, उसके बाद पेयरिंग करोगे आप, ठीक है। तो यहाँ पे देखो इसका बेनिफिट क्या मिला मैं ये बता दूं। देखो बॉन्ड ऑर्डर तो आप बैलेंस इलेक्ट्रॉनों से भी निकाल सकते हो, लेकिन इससे बेनिफिट ये मिला कि बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन तो आपको मिल जाएंगे, इसके अलावा बेटा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वैल्यू भी पता चल जाएगी। और यहाँ देखो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिल गया, मतलब ये क्या होगा पैरामैग्नेटिक होगा। आपको पता है जब
पेयर्ड होते हैं तो डायमैग्नेटिक होते हैं और अनपेयर्ड होते हैं तो पैरामैग्नेटिक होते हैं। तो यहाँ दो इलेक्ट्रॉन के अनपेयर्ड मिल गए। अब बेटा आप क्या करेंगे, बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालेंगे, डायरेक्ट काउंट कर लो, 2, 4, 6, 8, 10, तो 10 हो गए बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, और 2, 2, 4, 2, 6, 6 क्या हो गए एंटी बॉन्ड, नहीं 2 से डिवाइड करोगे बॉन्ड ऑर्डर 2 आ जाएगा, ठीक है। तो एक ये तरीका है कि आप बॉन्ड ऑर्डर निकाल सकते हो, या तो सीधा सीधा वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकाल लो, मान लो वैलेंस इलेक्ट्रॉन की वैल्यू 14 आ रही है तो बेटा इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा 3। अब एक एक कम करते जाओ, एक एक बढ़ाते जाओ, 15 बैलेंस इलेक्ट्रॉन तो ऑर्डर कितना होगा 2.5, ठीक है। यहाँ कितना हो जाएगा 13। इसको ऐसे करो, ये क्या है वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालने आपको, जो एटम दिया गया उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालिए, अगर 14 है तो 3 उसका बॉन्ड ऑर्डर होगा। अब उसको कम करते हुए जाओ, बढ़ाते जाओ, वैलेंस इलेक्ट्रॉन पता है तो बॉन्ड ऑर्डर कितना 2.5, ये कितना होगा बेटा 14 होगा तो बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा 2, तो ये कितना हो जाएगा 12, ये कितना होगा 13, तो यहाँ कितना हो जाएगा बेटा 1.5, सॉरी ये 16 होगा, बढ़ता हो जाएगा ना 16, ये 17, ये 1.5, ये कितना हो जाएगा 11। उसके बाद क्या होगा, ये हो जाएगा 18, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 1, और बेटा ये कितना हो जाएगा 10, एंड सो ऑन। ऐसे करके आप डायरेक्ट बैलेंस इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हो, बैलेंस इलेक्ट्रॉन निकाल के आप बॉन्ड ऑर्डर निकाल सकते हो, ठीक है। इतना हो गया, अब आता है बेटा बॉन्ड ऑर्डर इन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ऑक्सो एनायन वाले जो होते हैं उनके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को कैसे आप निकालोगे, ठीक है, ऑक्सो एनायन के केस में कैसे करोगे, तो बेटा इसके लिए बॉन्ड ऑर्डर होता है, वो होता है टोटल बॉन्ड फॉर्म्ड बाय सेंट्रल एटम अपॉन टोटल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ठीक, ये होगा, इससे आप क्या कर सकते हो बॉन्ड ऑर्डर निकाल सकते हो, एक फार्मूला हो गया। दूसरा फार्मूला ये है बेटा जो मेरा बनाया हुआ है, मेरा इन द सेंस कि मैं इससे सॉल्व करता हूं, तो वो है बेटा कि बॉन्ड ऑर्डर निकालने का तरीका है कि जो सेंट्रल मेटम है उसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालो डिवाइडेड बाय सराउंडिंग ऑक्सीजन, ठीक है। सराउंडिंग ऑक्सीजन एटम क्या है, कितने हैं, इसको डिवाइड कर दोगे तो बेटा ये क्या हो जाएगा बॉन्ड ऑर्डर आ जाएगा। लेकिन ये जो है इसकी लिमिटेशंस है, लिमिटेशंस ये है कि ये दो लोगों पे अप्लाई नहीं होता है। पहला ओजोन पे अप्लाई नहीं होगा, ओजोन पे क्यों नहीं अप्लाई होगा, क्योंकि ऑक्सीडेशन नंबर जीरो हो जाएगा तो इसका बॉन्ड ऑर्डर जीरो होगा, नहीं ये नहीं होगा। तो इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना होता है 4/3, मतलब सॉरी बेटा 5/3/2, ये होगा 1.5, ठीक है। इसके अलावा ये NO3- पे भी एक्ट नहीं करेगा, क्यों, क्योंकि अगर इसका हाइब्रिडाइजेशन निकालोगे ऑक्सीडेशन नंबर तो +5 होगा, लेकिन एक्चुअली कितना होता है 4/3, तो हाइब्रिडाइजेशन कितना होगा 1.33। इसके अलावा इन दोनों के अलावा आप कहीं भी इस ट्रिक को अप्लाई करो ये ट्रिक कारगर होगी। जैसे मान लो क्या है कार्बोनेट है, निकालो कितना होगा ऑक्सीडेशन स्टेट कितना +4, तो सीधा वैल्यू रखो कितने ऑक्सीजन 3, कितना हो जाएगा 1.33, ठीक है। CO2 का निकाल दो, CO2 का कितना हो गया +4, 2 कितना हो गया 2, तो कुछ भी आप आसानी से निकाल सकते हो, ठीक है। तो इस तरह ये हो जाएगा, ओके। नेक्स्ट अब आता है बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड एंगल और बॉन्ड एनर्जी में रिलेशन। तो बताया बता आपको जो बॉन्ड ऑर्डर होता है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा बॉन्ड एनर्जी के, और ये होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ के, ठीक है। ये एक ऑर्डर आपको पता होगा, नहीं पता है तो फिर आप यहाँ से पता कर सकते हो, ठीक है। अब जैसे कुछ ऑर्डर है जो मैं आपको बता दूं, जैसे क्या है कार्बोनेट -2 कार्बन डाइऑक्साइड और इनके बीच में पूछ रहे हैं, तो सबसे पहले क्या निकालोगे बॉन्ड ऑर्डर, तो इसका कितना होगा 1.33, इसका कितना 2 और इसका कितना 3। अब हमें बताना है इसको बॉन्ड एनर्जी के ऑर्डर में, तो जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा उसकी बॉन्ड एनर्जी ज्यादा, बॉन्ड लेंथ में होता तो क्या होता जस्ट रेसिप्रोकल होता, तो बॉन्ड लेंथ का ये हो जाएगा। तो ऐसे करके आप क्वेश्चन कर सकते हो, ठीक है बेटा। एक और क्वेश्चन फैमिलियर आता है आपका, O2 O2+, इसके अलावा O2-, इसमें पूछते हैं कि बताओ बॉन्ड लेंथ का या बॉन्ड एनर्जी का ऑर्डर बताओ, तो बेटा इसका निकालो कितना आ जाएगा बॉन्ड ऑर्डर 2, इसका 2.5 और इसका 1.5, ठीक है। कैसे निकाल लोगे सब आता है, तो बस इसको सॉल्व करो, तो क्या बॉन्ड एनर्जी का ऑर्डर पूछेंगे तो क्या होगा सबसे ज्यादा क्या होगा O2+2 का
देन क्या होगा ओ टू का और उसके बाद क्या होगा ओ टू माइनस का, ये होगा। ठीक, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। जैसे क्या होगा एनओ थ्री माइनस एन ओ टू माइनस, और यहाँ क्या होगा एनओ टू प्लस। इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालोगे, बटा में बताया था कितना होगा 1.33, क्योंकि एक्सेप्शन वाला था। एनओ टू का निकालो कितना हो जाएगा 3/2, यही तो होगा। अरे जो मैं बताया ना ऑक्सीडेशन स्टेट से निकालेंगे, तो ये 3/2 मतलब 1.5, इसका कितना होगा 2 सीधा सीधा, क्योंकि क्या है ऑक्सीडेशन स्टेट कितना 4 हो जाएगा, 4/2 तो हो जाएगा 2 ऑक्सीडेशन स्टेट, बस निकाल लो। तो 2 इसका होगा, तो सबसे ज्यादा क्या होगा बॉन्ड एनर्जी इसकी होगी देन इसकी होगी, तो बॉन्ड एनर्जी का ऑर्डर ये होगा। ठीक है, ये सीधा सीधा आप याद भी कर लो, अगर आता है तो डायरेक्ट आप इसको आंसर कर देंगे। ठीक है, तो ये पॉइंट यहाँ पे खत्म होता है। नेक्स्ट इसमें आता है बेटा क्या आपकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग पूछते हैं आपसे। हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होता है, कोई इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट हो उससे अगर हाइड्रोजन जुड़ा हो तो वो क्या होता है कि नेक्स्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट से क्या करता है एक टाइप की बॉन्डिंग शो करता है, इसको हम क्या कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और ये जो इलेक्ट्रोनिगेटिव होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन एंड क्लोरीन, यही इलेक्ट्रोनिगेटिव होने एलिमेंट होने चाहिए। ठीक है, ये इलेक्ट्रोनिगेटिव देगा, और यहाँ पे जो बॉन्डिंग जिससे कर रहा है वो भी क्या हो फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन एंड क्लोरीन होने चाहिए। ठीक है, तो फिर हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करेगा। ठीक है, अब देखो जो आपका हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो दो टाइप की होती है, एक होती है इंटरमॉलिक्यूलर और दूसरी होती है आपकी इंट्रा। तो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग में क्या होगा कि एक जो मॉलिक्यूल है वो दूसरे मॉलिक्यूल से क्या करेगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करेगा। जैसे मान लो एक मॉलिक्यूल ये हो गया, वो दूसरे वाटर मॉलिक्यूल से क्या करेगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करेगा। मान लो यहाँ एच हो गया, यहाँ ओ और ये एच, ये फर्दर ऐसे होगा। तो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग में क्या होगा कि बेटा आपका जो मॉलिक्यूलर वेट है वो इंक्रीज होता है। ठीक है, मतलब हम ये कह सकता हूँ कि इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर वेट, और ये क्या हो गया बेटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉइलिंग पॉइंट। मतलब बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग में सबसे ज्यादा बढ़ता है। ठीक है, बात करते हैं, कभी कभी पूछ लेते हैं कि वाटर कितना हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, तो बेटा 4 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, 4 हाइड्रोजन बॉन्ड। अमोनिया की बात करें तो बेटा ये 2 हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन करती है, अमोनिया में भी 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बनते हैं। ठीक है, इसके अलावा और क्या आ सकता है, इंटरमॉलिक्यूलर में इतना ही होगा बेटा। नेक्स्ट इसके अलावा बेटा पैरानाइट्रोफिनॉल में भी क्या होता है इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे किसके, इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग मतलब क्या हो, विद इन द मॉलिक्यूल हो। इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग में सबसे पहले बेटा आपको है क्लोरल हाइड्रेट। अब क्लोरल हाइड्रेट क्या है बेटा, क्लोरल हाइड्रेट का स्ट्रक्चर फार्मूला होता है CH OH का होल ट्वाइस, और ये हो जाएगा CCl3। ठीक, ये होता है क्लोरल हाइड्रेट का स्ट्रक्चर। तो क्या करेंगे बेटा, देखो आपको पता है कि एक ही कार्बन पे दो दो हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट नहीं हो सकते, ये अनस्टेबल होते हैं, ये क्या होगा एक वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से एलिमिनेट हो जाता है। लेकिन क्लोरल हाइड्रेट में ऐसा नहीं होता है, उसका रीजन है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। एक्चुअली ये होता है, देखो ये क्लोरीन और ये हो गया क्लोरीन बेटा, ये इससे बॉन्डेड होगा, एच नहीं होगा, और यहाँ हो जाएगा CH। देखो ये जो ऑक्सीजन है और ये जो हाइड्रोजन है इलेक्ट्रोनिगेटिविटी से जुड़ा है, तो इस वाले क्लोरीन में और इस वाले हाइड्रोजन में क्या हो जाता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है। ये कौन सी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, ये है आपकी इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जिसके वजह से क्लोरल हाइब्रिड पॉलीहाइड्रोक्सी एक ही कार्बन पे होने की वजह से उसके बाद भी ये स्टेबल हो जाता है। ठीक है, तो इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का ये एग्जांपल। नेक्स्ट आता है बेटा आर्थोनाइट्रोफिनॉल का स्ट्रक्चर ये होता है OH और ये हो गया नाइट्रो ग्रुप। ठीक है, एंड डबल बॉन्डो और ये। ठीक है, अब ये जो हाइड्रोजन है और इस वाले ऑक्सीजन में क्या होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा, तो ये भी किसका एग्जांपल हो गया इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का। ठीक है, देखो इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का मेन पर्पज होता है वो चिलेशन, मतलब ये क्या करती है स्टेबिलिटी को बढ़ाते हैं। ठीक है, मेन जो काम होता है इंट्रा का वो स्टेबिलिटी को इंक्रीज करना। ठीक है, अब बात करते हैं कुछ एप्लीकेशन की हाइड्रोजन बॉन्डिंग में। तो पहला एप्लीकेशन ये है कि बेटा जो बोरिक एसिड होता है, बोरिक एसिड पॉलीमराइज्ड बाय, इस पॉइंट को आप लिख लो क्योंकि जरूरी है,
बेटा मैं जो भी बताऊं आप उसको नोट डाउन कर लिया करो, इससे क्या होता है आपको बाद में अगर आपको क्विक रीजन करना पड़ेगा तो इससे 60 नोट्स आपका नहीं बनेगा, ठीक है। तो बोरिक एसिड होता है वो पॉलीमराइज होता है बाय हाइड्रोजन बॉन्डिंग। दूसरा पॉइंट ये है कि जो हेलिकल स्ट्रक्चर है आप प्रोटीन, हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन इज स्टेबलाइज्ड बाय हाइड्रोजन बॉन्डिंग, सीधा सीधा ये स्टेटमेंट आएगा आपको, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट आता है बेटा KHF2 तो एग्जिस्ट करता है बट अदर जो साल्ट है वो एग्जिस्ट नहीं करते हैं, नॉट एग्जिस्ट। रीजन क्या है कि इसमें क्या होती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है ड्यू टू फ्लोरीन, इसी वजह से क्या होगा बेटा ये एग्जिस्ट करेगा बाकी ये नहीं करते। नेक्स्ट आता है मैलिक एसिड इज स्ट्रॉन्गर देन फ्यूमेरिक एसिड, स्ट्रॉन्गर देन फ्यूमेरिक एसिड, ठीक है ये एक पॉइंट हो गया। नेक्स्ट पॉइंट आता है बेटा, नेक्स्ट पॉइंट है कि आर्थोनाइट्रोफिनाल का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो बेटा पैरा नाइट्रोफिनॉल से कम होता है। पैरा नाइट्रोफिनॉल के बॉइलिंग पॉइंट से क्या होगा कम होता है। रीजन क्या है क्योंकि बेटा देखो इसमें होगी इंटरमॉलिक्यूलर तो दो दो तीन तीन करते हुए क्या होगा इसका मॉलिक्यूलर वेट बढ़ जाता है और इसका क्या होता है सच ही रहता है, इसी वजह से इसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है, ठीक है। एक पॉइंट ये हो गया। नेक्स्ट पॉइंट है बेटा वाटर दे दिया और एल्कोहल दे दिया और ईथर दे दिया और आपसे पूछते हैं कि बताओ बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर क्या होगा। तो बेटा इसमें 4 हाइड्रोजन बॉन्ड होंगे, इसमें 2 हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं और इसमें कोई भी हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं है, हाइड्रोजन बॉन्ड ज्यादा था बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा, तो ये बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर देखिए हो गया। नेक्स्ट नेक्स्ट है आपका एसिड दे दिया है और एल्कोहल दे दिया है और एल्किल हैलाइड दे दिया है और आपसे पूछ रहे हैं बेटा बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर, तो बेटा यही ऑर्डर होगा जो मैंने आपको बताया है। कैसे होगा देखो देखो एसिड जो होता है बेटा ये डाइमराइज हो जाता है, डाइमराइज्ड ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से डाइमराइज हो जाएगा तो जाहिर सी बात है इसका मॉलिक्यूलर वेट क्या होगा बढ़ जाएगा और मॉलिक्यूलर वेट बढ़ जाएगा तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगी, क्लियर। इस वजह से क्या होता है एसिड का क्या होगा डाइमराइज हो जाएगा। यहाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग है और यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है, इस वजह से इन दोनों में बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है, ठीक है। अब आता है बेटा आपने पढ़ा होगा कि जो डेंसिटी ऑफ आइस होती है वो कम होती है डेंसिटी ऑफ वाटर से, इसका भी रीजन क्या है, इसका भी रीजन हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। एक्चुअली जो आइस है वो ओपन केज स्ट्रक्चर बनाता है, ठीक है, ओपन केज स्ट्रक्चर बनाता है ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग और जिसके वजह से क्या होता है इसका जो वॉल्यूम है आइस का वो ज्यादा हो जाता है वॉल्यूम ऑफ वाटर से, इसी वजह से उसकी डेंसिटी बढ़ जाती है वाटर के कंपेयर में कम हो जाती है, ओके। तो ये कुछ अप्लीकेबल पॉइंट ऑफ व्यू थे हाइड्रोजन बॉन्डिंग से लेके, बाकी और भी अप्लीकेशन है बेटा तो फर्दर चैप्टरों में आएंगे तो मैं वहां पे आपको बता दूंगा, ओके। अब बात कर लेते हैं हम कुछ साइड फोर्सेस की, तो साइड फोर्सेस की बात करें हम तो साइड फोर्सेस में क्या होंगे, साइड फोर्सेस में बेटा आपने पढ़ा होगा, देखो मैं 4 साइड फोर्सेस की यहाँ बात करूंगा, आयनिक कोवेलेंट मेटेलिक तो आपने पढ़ ही लिया है, तो साइड फोर्सेस में सबसे पहले मैं बात करूंगा आयन डाइपोल इंटरेक्शन, पहला है आयन डाइपोल, दूसरा है बेटा आपका डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, तीसरा है डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन, और नेक्स्ट है बेटा आपका वंडरवाल फोर्स या फिर इसको लंदन फोर्स भी कहो, बहुत ज्यादा फर्क नहीं, ठीक है। ये 4 टाइप के इंटरेक्शन होते हैं। अब इनमें किसके किसके बीच में होगा, तो जो आयन डाइपोल होता है ये होता है बेटा आयन और किसमें पोलर मॉलिक्यूल में,
आयन और पोलर मॉलिक्यूल में होगा। एग्जांपल जैसे क्या हो गया, सोडियम आयन इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, ठीक है ये हो गया। क्लोराइड आयन इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, तो इसमें देखो आयन है और वाटर क्या है, पोलर है। डायपोल डायपोल में क्या होगा कि इनमें पोलर मॉलिक्यूल होगा और दूसरा भी पोलर मॉलिक्यूल, मतलब दो पोलर मॉलिक्यूल होंगे। जैसे क्या हो गया एसीटोन, एसीटोन ये हो गया एग्जांपल के तौर पे, एसीटोन हो गया और वाटर ये क्या है, इनमें जो फोर्स ऑफ होता है वो कौन सा होगा, डायपोल डायपोल इंटरेक्शन होगा। डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल में क्या होगा, इसमें बेटा एक जो मॉलिक्यूल होगा वो पोलर होगा और दूसरा क्या होगा नॉन पोलर, क्लियर। और नॉन पोलर होगा एग्जांपल के तौर पे क्या होगा, एग्जांपल पे जैसे हो जाएगा बेटा आपका वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ नोबेल गैस, और नोबेल गैस में हीलियम उलियम कुछ भी हो सकती है, ठीक है क्लियर। और बेटा याद करो कि 2013 में ये पूछा है कि वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ हीलियम कौन सा वर्क करेगा, तो बेटा उसमें दिया था डायपोल इंड्यूस डायपोल, ये नीट 2013 में आ चुका है, मुझे अभी रिमाइंड हुआ तो मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट आता है वैन डेर वाल्स फोर्स या लंदन फोर्स, बेटा ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल और नॉन पोलर मॉलिक्यूल के बीच में एस्टेब्लिश होता है। जैसे क्या हो गया इनर्ट गैस, और क्या हो गया हाइड्रोजन हो गया, इसके अलावा बेंजीन, इनमें क्या होता है ये फोर्स एक्ट करता है। तो ये जो चार साइड फोर्स हो गए, ठीक है। अब हम बात करेंगे क्या, अब हम बात करेंगे बेटा आपका क्या ओवरऑल स्ट्रेंथ की, तो हम बात करेंगे ओवरऑल ऑर्डर ऑफ स्ट्रेंथ, अब ओवरऑल ऑर्डर ऑफ स्ट्रेंथ में क्या होगा, तो देखो जो सबसे ज्यादा होगा हम उसकी बात कर रहे हैं, तो देखो जो सबसे ज्यादा स्ट्रांग होता है वो होता है आयनिक बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड सबसे ज्यादा स्ट्रांगेस्ट होगा। देन उसके बाद क्या होता है कोवेलेंट बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड उसके बाद स्ट्रांगेस्ट होगा। देन होता है उसके बाद बता मेटैलिक बॉन्ड, उसके बाद कौन स्ट्रांग होगा, उसके बाद होता है बेटा हाइड्रोजन बॉन्ड, उसके बाद स्ट्रेंथ किसकी आएगी आयन डाइपोल की। देन उसके बाद होगा बेटा क्या डाइपोल डाइपोल, उसके बाद होगा डाइपोल इंड्यूस डाइपोल, और लास्ट में होता है वैन डेर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। तो ये ओवरऑल ऑर्डर है, सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड कौन सा होगा, और ये आपका ऑर्डर दिया गया है, ठीक है, तो डिक्रीजिंग ऑर्डर के रूप में, ठीक है ये हो गया। कभी कभी पूछते हैं तो बेटा इस ऑर्डर को आप बता सकते हो। नेक्स्ट आता है आपका बेटा फजान रूल, ठीक है, और फजान रूल किस लिए है आपको पता है, फिर भी मैं बता दूं कि बेटा जो फजान रूल होता है ये होता है टू कंपेयर कोवेलेंट करेक्टर, कोवेलेंट करेक्टर को कंपेयर करने के लिए फजान रूल दिया था, उसको बोलते हैं टू कंपेयर कोवेलेंट करेक्टर, ओके। अब नेक्स्ट, तो फजान ने क्या बोला है, फजान के अकॉर्डिंग जो कोवेलेंट करेक्टर होता है, कोवेलेंट करेक्टर ये होगा बेटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोलराइजिंग पावर, या इसको हम डायरेक्टली कह सकते हैं पोलराइजेबिलिटी। देखो जो बेटा जो पोलराइजिंग पावर होता है ये हम बात करते हैं कैटायन के रेस्पेक्ट में, और जो पोलराइजेबिलिटी होती है वो एनायन के रेस्पेक्ट में करते हैं, ठीक है। अब देखो पोलराइजिंग पावर किन चीजों पर डिपेंड करती है वो मैं बता दूं, तो देखो जो पोलराइजिंग पावर है ये क्या होती है चार्ज ऑफ कैटायन के तो डायरेक्टली होगी, मतलब डायरेक्टली होगी चार्ज ऑफ कैटायन के, और अगर साइज की बात करते हैं तो ये साइज के इनवर्सली पाई जाएगी। फिर से पोलराइजिंग पावर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज, ओके, चार्ज ज्यादा तो पोलराइजिंग पावर ज्यादा तो कोवेलेंट करेक्टर ज्यादा, लेकिन अगर साइज की बात करें तो ये क्या होगा इनवर्सली होगा। लेकिन अगर हम बात करें पोलराइजेबिलिटी की तो ये तो चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, इसके साथ साथ ये साइज ऑफ एनायन के भी क्या होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। तो ये चीजें आपको समझनी है फजान रूल में, ठीक है। अब इसके एप्लीकेशन में, एप्लीकेशन में जैसे मैं दो क्वेश्चन करा दे रहा हूँ, जैसे क्या है कोवेलेंट करेक्टर का ऑर्डर बताना है CaCl, BeCl2, BeCl3,
और CCl4। ठीक है, अब बताओ बेटा इसमें कैटायन क्या है? कैटायन ये है इसमें +1, +2, +3 और ये +4। अब बताओ चार्ज ज्यादा तो पोलराइजिंग पावर ज्यादा तो कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा, तो बेटा ऑर्डर क्या होगा? ये ऑर्डर होगा। एक और ले लो, जैसे लिथियम फ्लोराइड हो गया, लिथियम क्लोराइड, लिथियम ब्रोमाइड और क्या हो गया, लिथियम आयोडाइड। ठीक है, अब देखो इसमें कैटायन से मैं एनायन वैरी कर रहा है, और एनायन क्या वैरी कर रहा है, साइज में, लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो साइज बढ़ रहा है, और जब साइज बढ़ेगा तो पोलराइजेबिलिटी बढ़ेगी तो कोवेलेंट कैरेक्टर भी बढ़ेगा, तो कोवेलेंट कैरेक्टर का ऑर्डर ये हो जाएगा। क्लियर, ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। तो बेटा ये हो गया फजान रूल का एप्लीकेशन। नेक्स्ट है जो लास्ट पॉइंट है इस चैप्टर का, वो है फॉर्मल चार्ज। और फॉर्मल चार्ज क्या है? तो फॉर्मल चार्ज होता है बेटा, किसी के लिए पूछते हैं, वो होगा सीधा सीधा बैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस शेयर्ड इलेक्ट्रॉन बाय टू। ठीक है, ये फार्मूला है फॉर्मल चार्ज निकालने का। आप डायरेक्ट इसको अप्लाई करके फॉर्मल चार्ज निकाल सकते हैं। ठीक है, ये हो गया। तो बेटा अभी हमारा चैप्टर जो था केमिकल बॉन्डिंग ऑलमोस्ट हमने कंप्लीट कर लिया है। बेटा जहां से क्वेश्चन आ सकते हैं, जो एप्लीकेशन है, मैंने वही पॉइंट केवल चूज किए हैं। बाकी इस चैप्टर इतना ब्रॉड है कि अगर मैं पढ़ाने बैठूं तो कम से कम 3-4 घंटे लग जाएंगे। तो बेटा हमें क्विक रिविजन करना है, फिर भी मैंने थोड़ा जल्दी करने की कोशिश की है, फिर भी कोई पॉइंट रह जाता है तो बेटा आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। इसके अलावा कोई भी डाउट्स हो, कोई चैप्टर समझ में नहीं आया हो, तो मैं इसको वापस से रिवाइज करा सकता हूँ। और आगे बेटा कल हम लोग रिवाइज करेंगे इनऑर्गेनिक में ही कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, मेटलर्जी एंड डी एंड एफ ब्लॉक। बेटा इतने टॉपिक हम लोग कल रिवाइज करेंगे, इसके अगले वाले लेक्चर में बाकी इनऑर्गेनिक रिवाइज की जाएगी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।